धर्म है क्या, क्योंकि हम आज की डेट के अंदर जो इस कलयुग में समझते हैं, हम धर्म को सीधा सीधा पंथों में बांट देते हैं, जहां पर हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम सिख हैं, या हम ईसाई हैं, या बौद्ध हैं, या जैन हैं। तो एग्जैक्टली क्या धर्म यही है या धर्म कुछ और है? तो हम जिस चीज के लड़ाई, जिस चीज के, वो आपने बोला पंथ, धर्म और पंथ में अंतर है। धर्म तो एक ही है, इसीलिए शुरू से कहा गया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। भगवान, क्योंकि ऑफ कोर्स अंतर्यामी है, वो सब कुछ समझते हैं, उसके बावजूद भी उनको क्या ये चीज नहीं पता थी? या मतलब मैं इसको कैसे रखूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि सतयुग के अंदर तो शायद मैं ऐसी परीक्षा ले सकता हूं, पर ऑफ कोर्स जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय खराब आता जाएगा, उस वक्त शायद ये परीक्षा कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, तुम ये सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होना। तो आपकी बलि वाली बात तो वही खत्म हो गई ना। कोई एक इंसान जो कि इस पथ पर, अध्यात्म के पथ पर एक बार चलना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर, अंतः मन के अंदर किस तरीके के विचार आना शुरू हो जाते हैं, उसको कैसे पता चले कि वो सही मार्ग है भी या नहीं है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये सदा पता होना चाहिए, इंटरनली मैं कौन हूँ, मैं उस परम शक्ति कृष्ण का दास हूँ, और मेरा और उसका संबंध अभिन्न है, अनंत है, अनादि है, और वो स्वयं भी चाहे तो इस संबंध को नहीं तोड़। धर्म की परीक्षा तो ईश्वर ले ही रहे हैं, सतयुग में भी ले रहे हैं, तो आई एम श्योर और युगों में भी लेते होंगे, तो इस युग के अंदर भी आई एम श्योर ईश्वर परीक्षा तो लेते होंगे कि आप धर्म के मार्ग पर हैं या नहीं है, आपके अंदर अध्यात्म है या नहीं है। तो किस तरीके की परीक्षा होती है इस कलयुग के अंदर? हमको कृष्ण ने कहा है कि आप भजन करो, मैं आपको मिल जाऊं। हम उसी में अपना तरीका निभा ले रहे, भाई देखो ठाकुर जी तो सब जानते हैं, मेरे से तो इतना नहीं हो सकता, मैं तो दो माला कर लूंगा। तो जब हम खुद ही बैक बेंचर से और ग्रेस मार्क से पास हो रहे, तो हमें एग्जामिनेशन की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि भगवान ने कहा मैं तुम्हें फेल नहीं होने। नमस्ते महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम टू विलासिन वाइब्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। आप क्योंकि इंजीनियर हैं और इंजीनियर टर्न्ड रादर मॉन्क हैं, सबसे ज्यादा जो चीज मुझे, जिसने आपकी तरफ आकर्षित किया इस पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन को करने के लिए, जिसमें हम अध्यात्म के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं आपसे, पर क्योंकि आप बहुत यंग हैं, आप इंजीनियर रह चुके हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, क्या हुआ ऐसा कि जो अध्यात्म की तरफ आपकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित होकर आप इस अपने पूरा जो दुनियादारी का चोला था छोड़ करके ये चोला पहन लिया? हाँ, बस चीज की दुनियादारी छोड़ी नहीं, दुनिया की सेवा एक्सेप्ट कर ली। और आना कैसे हुआ, ये हुआ कि जब भी छोटे थे तो घर में क्या है कि हम लोग क्या संस्कार ऐसे थे कि माता पिता जो थे वो बचपन में ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनाते थे, तो उसमें दो तीन कहानी, जैसे हरिश्चंद्र जी की कहानी, राजा मोरध्वज की कहानी, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती थी, अगर भगवान इतना प्यार करते हैं तो एग्जामिनेशंस क्यों लेते हैं, और क्या ये जो बातें एग्जामिनेशन सही होने पे क्या वो भगवान दिखते हैं? तो एक ये जो जिज्ञासा थी ना कि ये है क्या, क्या सच में भगवान कहीं पे है कि नहीं है, ये बस कहानियां, ये मेरे मन में बचपन से था और उसकी खोज मुझे यहां तक लेके। मैं आपको इस बीच, क्योंकि आपने बोला कि एग्जामिनेशन लेते हैं भगवान, और आप जानना चाहते थे कि एग्जामिनेशन क्यों लेते हैं और एग्जामिनेशन लेते वक्त उसके बाद क्या दिखते भी है या नहीं दिखते हैं, तो जिज्ञासा भी थी। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को शायद हरिश्चंद्र की कहानी ना पता हो, जिसके अंदर भगवान ने उनका एग्जाम लिया, एक तरीके से पूरी परीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने उनको दर्शन भी दिए, तो प्लीज मतलब आप सर्च कर सकते हैं, व्यूअर्स को मैं बोलूंगा हरिश्चंद्र की कहानी, वरना महाराज जी अगर आप बता पाए उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। हरिश्चंद्र जी और मोरध्वज दोनों मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में सुनी कहानियां हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे कि वो सत्य बोलते थे, तो ऐसा नहीं भगवान उन्हें पहले से नहीं जानते थे, क्योंकि वो वंश ही पूरा जो है वो भक्तों का वंश है, तो भगवान जानते थे, लेकिन वो सत्य जो है बात थी उनकी उस ड्यूटी की कि वो फेमस थे उस सत्य के लिए। तो भगवान ने ये स्थिति देखी कि क्या ये जब तक घर में है या राजा है या इनके पास सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है तभी तक इनका सत्य दिखता है, कि या मैं सब कुछ इनके साथ गड़बड़ कर दूं,
क्योंकि संसार में मोस्टली होता है कि ठीक है जब तक अच्छा है जब तक कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे साथ कुछ गलत घटता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा कर सकते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जी की उस सत्यवादिता पे उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में एक ऋषि आते हैं, वो उनसे कहते हैं तुम अपना सब कुछ मुझे दान कर दो। हरिश्चंद्र जी उन्हें दान कर देते हैं और जब सुबह होती है तो उनके यहाँ पे एक ऋषि आते हैं और कहते हैं मुझे भिक्षा दो राजन। तो राजा कहते हैं ठीक है आप भिक्षा ले लीजिए। तो वो कहते हैं आप भिक्षा कैसे दे रहे हो, ये सब तो आप मुझे दान कर चुके हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हरिश्चंद्र के सामने आ जाती है कि अब मैं दान कैसे, क्योंकि उन्हें इस बात से डर नहीं है कि वो सब कुछ ले जा रहे हैं, उन्हें इस बात से डर है कि अब ये मेरे यहाँ से बिना भिक्षा लिए चले जाएंगे। और राजा हरिश्चंद्र उन्हें सारा राज्यपाट देके स्वयं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उनकी दक्षिणा के लिए बिकने जाते हैं। तो उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। और जब वो बिकने जा रहे हैं तो उस नगर की महारानी जो है वो बिक रही है, और एक बनिया आता है और उस महारानी और बच्चे को खरीद लेता है, और राजा स्वयं जाके डोम के यहाँ बिक जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब राजा के बच्चे को सांप काट लेता है जो उस रानी के साथ रहता है। रानी रोती पीटती राजा के पास आती है, राजा को पहचान लेती है, कहती है बच्चा मर गया है, इस बच्चे को जलाना है। और राजा कहता है मुझे कुछ फीस दो, कुछ शुल्क शुल्क दो, मैं अपने उस मालिक को क्या दूंगा। तो कहती है आपका भी बच्चा है। तो राजन कहते हैं नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मुझे शुल्क पे करना है, मुझे शाम को बताना है कि मैं इसमें अपना पतित्व नहीं दिखा सकता, अभी मैं यहाँ की ड्यूटी बजा रहा हूं, मैं नौकर। तो राजा की अपनी कर्तव्य निष्ठा। और फिर जब रानी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ने लगती है कि मैं आधी साड़ी आपको दान कर रही हूँ, तो तत्काल एक गड़गड़ाहट के साथ में आकाशवाणी होती है कि राजन रुक जाओ, तुम्हारी परीक्षा में तुम सफल हुए। यहां तक एक स्टोरी है, लेकिन सारा जो एक जो मेरे दिमाग में जिसने बार बार खट खट की वो था कि पहले वो ऋषि प्रकट होते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। अच्छा चलो ऋषि परीक्षा लेने आए थे। फिर वो जो बनिया और बनिया की बीवी है वो एक्चुअल में लक्ष्मी नारायण होते हैं, जिस सर्प ने उसको काटा होता है वो साक्षात धर्म होते हैं, और जिस डोम के घर वो बिके होते हैं वो शंकर भगवान होते हैं। तो जब भगवान ही परीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए, ऐसी स्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र के अंदर की कर्तव्य निष्ठा नहीं। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा आता था कि क्या इस लेवल पे कोई भगवान के प्रति सरेंडर हो सकता है, और अगर कोई सरेंडर है तो भगवान तो इस बात को जानते हैं, तो फिर इतनी परीक्षा ही क्यों लेते हैं। हमेशा मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा थी बहुत कि ही अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भगवान ही सांप बन के आ रहे हैं और काट ले रहे हैं तो हम कैसे बचेंगे। और सेम ये स्टोरी राजा मोरद्वज जी की है। राजा मोरद्वज अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, हर संत का आदर करते हैं। एक बार कृष्ण और अर्जुन में और कहीं कहीं दुर्वासा जी की बात आती है कि सब लोग कहते हैं कि भाई राजा मूरध्वज तो बहुत संत सेवा करते हैं। तो वहां पे हम लोग कृष्ण अर्जुन की स्टोरी को ही लेके चलते हैं कि भगवान कृष्ण ही दिखाने जाते हैं। तो अब कई लोग को डाउट क्या होता है कि अर्जुन उस समय थे कि नहीं। तो कृष्ण और अर्जुन एक्चुअल में नर नारायण के अवतार हैं, क्योंकि भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया तो वो हर समय एग्जिस्ट करते हैं अपने नित्य लोग। वो धरती पे द्वापर में आए बट वो अपने नित्य लोक में सदैव एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा बने रहते। तो उस जगह पे वो जाते हैं साधु का रूप धारण करके और एक शेर को लेके, और मूरध्वज से कहते हैं कि मैं प्रसाद पाने आया हूँ, मुझे प्रसाद मतलब भोजन कराओ। कहते ठीक है आपको भोजन कराते हैं। तो कहते हैं लेकिन मेरे शेर को भी भोजन कराओ। कहते आपके शेर को भी भोजन कराते हैं। वहीं पे मूरध्वज का एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। वो साधु कहता है मेरा शेर इस बच्चे का मांस खाएगा। अब राजा के आगे बहुत बड़ी ये दिक्कत है कि बच्चे का मांस खाएगा, ठीक है बच्चे का मांस ओके, क्या आप और आपकी पत्नी दोनों मिलके इस बच्चे के सिर पे आरी चलाएंगे, आपकी पत्नी लेफ्ट खड़ी होंगी आप राइट खड़े होंगे और आप दोनों मिलके आरी चलाएंगे, शर्त ये कि कोई रोना नहीं चाहिए, जिसके आंख से भी आंसू गिर गया उस साइड का मांस मेरा शेर नहीं खाएगा। तो एक बच्चा जिसके माँ बाप उसके सर पे आरी चला रहे हैं, एक तो वह ऐसे इतना बड़ा त्याग कर रहा है, उसके बाद वो रोए भी नहीं, फिर वो दोनों वैसा ही करते हैं और माँ की आंख से एक आंसू गिर जाता है। तो साधु कहते हैं अब तो इस साइड का नहीं खाएगा।
तो वो माता जी कहती है कि मैं इसलिए नहीं रोई कि राजा गुस्सा होते हैं कि अरे तुम रो क्यों रही हो, साधु सेवा में तो ऐसे बहुत बच्चे कुर्बान है। तो रानी कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही कि मैं अपना बच्चा काट रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक ही बच्चा, अगर मेरे दो बच्चे होते तो इनका शेर भूखा नहीं रहता। ओह माय फिर गॉड, वो लेकिन साधु इस बात को मना कर देते हैं और कहते हैं मैं लेफ्ट साइड का मेरा शेर नहीं खाएगा। आप ये सोचिए कि एक माँ बाप किसी बच्चे को काट रहे हैं और उसके बाद वो जिसके लिए काट रहे हैं वो मना कर दे रहा है कि ये नहीं खाएगा, और आधा हिस्सा उनके सामने वो शेर खा जाता है और आधे हिस्से को एक कमरे में फेंक दिया जाता है। और फिर वो ऋषि कहते हैं अब हम लोग का प्रसाद लगाओ। तो फिर वो तीनों, अब जिस राजा रानी का बच्चा मर चुका है वो ऋषि के साथ प्रसाद पाने बैठे हैं और थालियां आती हैं। राजा रानी पहले ठाकुर ऋषि को पवाते हैं फिर उनकी थाली आती है। तो ऋषि कहते हैं चार थाली ले जाओ। तो पूछते हैं कि आपने क्यों मतलब चार थाली क्यों मंगवाई? तो वो कहते हैं क्योंकि एक थाली मेरी, एक थाली आपकी, एक थाली रानी की और एक थाली उस बच्चे की। तो कहते बच्चा तो जीवित नहीं। कहते आप लाओ तो थाली लाते हो और आवाज देके बुलाते हो तो बच्चा उस कमरे से निकल के आता है। और फिर वो साधु जो होते हैं वो कृष्ण होते हैं या हम के दुर्वासा होते हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं। और वो शेर अर्जुन, या एक जगह पर शेर का वर्णन आया कि वो धर्म साक्षात धर्म होते हैं जो शेर का रूप बना के। अब यहाँ पे बहुत सारी देवता जय जयकार करते हैं, लेकिन मेरे आगे मुद्दा ये खड़ा हुआ था कि जब धर्म ही किसी की परीक्षा लेने आ जाए तो कोई क्या करेगा? मैं ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर इस दौरान मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये कि पहले के टाइम के अंदर, क्योंकि हमने बहुत सारी कथाओं के अंदर, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के अंदर देखा है कि कहीं ना कहीं भगवान जब परीक्षा लेने आते हैं तो वो इस लेवल की परीक्षा होती है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये ऐसा है जैसे अपना जिगर अपने हाथ से निकाल कर दे देना, तो बच्चे को जैसे काट कर रख देना। सो क्या आज की टाइम के अंदर कोई इससे, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट्स बहुत सारे आज भी चलते हैं जहां पर माँ बाप को तांत्रिक जो है वो बोल देते हैं कि अगर आप बच्चे के साथ में ऐसा करोगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज से लेकर के उनको मारने काटने से लेकर के दबाने से लेकर के क्या एक्टिविटीज नहीं हो रही है। आई एम वेरी श्योर कि पहला तो मैं किसी भी तरीके से इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उसको कहीं से कहीं तक बढ़ावा नहीं देते हैं, पर आपका इसके ऊपर क्या टेक है? क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि वो उस समय की बात है जहां पर हम शायद अंडरस्टैंड कर रहे थे कि ये ऋषि जो है वो सही है, या वो सच में शायद भगवान है, या वो ऋषि जाने माने ऋषि है। हम लोग उस टाइम में ही चल रहे आगे की एक्चुअल में दोनों कहानी का मोरल जो था उसमें आपकी इस बात छुपी हुई थी। जब मोरद ध्वज से और पहले राजा हरिश्चंद्र से भी भगवान ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो? जब हम किसी कथा को सुनते हैं ना तो भगवान इस रास्ते को वहीं बंद करके चल रहे। तो दोनों एक बात कहते हैं प्रभु ये सत्य युग है, ये कथा आज की नहीं है, कथा सत्य युग की। हम कलयुग में रह रहे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हम 3 युग पहले की बात कर रहे हैं। वहां पे भगवान से वो कहते हैं प्रभु ये सतयुग है, आप अपने धर्म चारों पैरों पे खड़ा है, इसके बाद और यज्ञ साक्षात प्रकट होके हमसे अपना आहुति लेते हैं। तब यज्ञ में ऐसे नहीं डालते थे, तब ऐसे नहीं कहते थे कि अग्नि को स्वाग्नि, स्वयं प्रकट होके ऋषियों से अपना हविष्य लेते। तो कह रहे सत्ययुग है जहां पे देवता प्रगट है, आपके दर्शन हो रहे, ऐसे काल में भी आपकी ऐसी परीक्षा से हम घबरा गए। तो प्रभु आने वाले समय में तो धर्म 3 पैर पे 2 पैर पे और कली काल में 1 पैर पे खड़ा हो जाएगा। प्रभु आपसे विनम्र विनती है भविष्य में कभी भी इस प्रकार की परीक्षा मत लीजिए। ये तो बहुत अमेजिंग हुआ, थैंक गॉड मैं बोलूंगा कि उन्होंने ये इस तरीके की चीज मांगी। पर मैं फिर एक चीज पे आऊंगा यहाँ पे, भक्त को पता है कि क्योंकि उसकी परीक्षा हो रही है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर भगवान क्योंकि ऑफ कोर्स अंतर्यामी है, वो सब कुछ समझते हैं, उसके बावजूद भी उनको क्या ये चीज नहीं पता थी? या मतलब मैं इसको कैसे रखूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि सतयुग के अंदर तो शायद मैं ऐसी परीक्षा ले सकता हूं, पर ऑफ कोर्स जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय खराब आता जाएगा, उस वक्त शायद ये परीक्षा का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। एक्चुअल में सारी बात इसी की है कि
जब मैं छोटा था तो मेरे पास यही क्वेश्चन थे जो आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, दोनों कहानियों ने मेरे अंतर मन को झकझोर दिया था कि ये क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकते हैं वो जो इतने सुंदर हैं। क्योंकि बचपन से मेरा मन, जब मैं विष्णु के बारे में पढ़ता था तो मुझे उनका शांताकारम, भुजग शैलम, पद्मनाभम, सुरेशम, विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, कमल नयनम, योग धीर ध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भव भय हरणम, सर्वलोकैकनाथम, जो भव भय हरण है वो ऐसा क्यों कहते। तो मेरे मन में बार बार ये बातें आती थी और सेम इसी बात को समझने के लिए सारी जिज्ञासाएं आगे बढ़ी और आगे चल के पता चला कि पहली बात की वो सत्ययुगता जब भगवान साक्षात प्रकट है और उससे पहले भी भगवान हमें दर्शन दे चुके हैं। ऐसा नहीं, आप जब हरिश्चंद्र या मोरद ध्वज के बारे में पढ़ेंगे तो लोग भगवान की तपस्या कर करके भगवान को प्रसन्न कर चुके। तो आज के जो तथाकथित तांत्रिक बलि देते हैं, क्या वो तपस्या के द्वारा प्रकट होते हैं? वो भौतिकते हैं, मलमूत्र की देह से प्रकट हुआ व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। पहली बात ये सबको समझनी चाहिए, भगवान अब के समय में साक्षात स्वरूप में नहीं आ रहे हैं। ये बात समझने वाली है कि भगवान को जब भी आना होगा, भगवान ने उसके बहुत सारे स्टेप्स बता दिए, भाई मैं ऐसे 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 आऊंगा। तो आपकी एक बात का आंसर सीधा सीधा है, रामचरितमानस में कह रहे हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, तुम ये सब कुछ कर लो कुछ नहीं होना। तो आपकी बलि वाली बात तो वही खत्म हो गई ना, यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई साधन ही नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम अधारा। कलिकाल में सच्चा संत वही है जो तुमको ये बताएगा कि ईश्वर के उस दिव्य नाम और ईश्वर में कोई फर्क। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतनी पारा। बलि को तो पहले निषेध कर दिया, बलि निषेध कर दी, जंगलों में जाना निषेध कर दिया, तो इन सब चीजों को तो पहले निषेध कर दिया गया। तो राजा मोरद्वज और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी सतयुग के हैं, जहां पे भगवान साक्षात दिखते हैं, देवता प्रकट होते हैं। तो बलि प्रथा या ये बलि प्रथा में नहीं आता है इस बात को परीक्षा, ये सतयुग की परीक्षा, जैसे हर डिपार्टमेंट के अपने एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये सत्युग का एग्जामिनेशन, ये कलयुग का एग्जामिनेशन नहीं। और सत्युग के रूल्स कलयुग में नहीं चलते, क्योंकि सत्युग में धर्म चार पैर पे खड़ा था, कलयुग में धर्म एक पैर पे खड़ा। आगे लेकर चलते हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि धर्म जो आपने, क्योंकि कई बार उसका यू नो रेफरेंस दिया, धर्म ने परीक्षा ली, मैं जानना चाहूंगा धर्म है क्या, क्योंकि हम आज की डेट के अंदर जो इस कलयुग में समझते हैं, हम धर्म को सीधा सीधा पंथों में बांट देते हैं, जहां पर हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम सिख हैं, या हम ईसाई हैं, या बौद्ध हैं, या जैन हैं। तो एग्जैक्टली क्या धर्म यही है या धर्म कुछ और है? अच्छा, मैं आप पे एक आपके क्वेश्चन के साथ ही जोड़ते हुए चलता हूँ। देखिए, कोई भी आपसे पूछे मुस्लिम, तो मुस्लिम इज लाइक इस टाइम पे मुस्लिम हुए इस समय से। अच्छा, कई लोग कहते नहीं पैगंबर साहब के बाद नहीं हुए, उससे पहले से मुसलमान थे। लेकिन अगर आपसे कोई स्पष्ट रूप से पूछे कि नहीं भाई आप मुस्लिम्स को या उस इस्लाम धर्म को कैसे जानते, तो प्रॉफिट का नाम लेंगे ही लेंगे, मोहम्मद के बाद ही जानता। ऐसे क्रिश्चियनिटी कोई कुछ भी कहता रहे बहुत पहले से, बहुत पहले से, लेकिन आप क्रिश्चियंस को यीशु के बाद से ही जानते। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन अलग हो गए। सिख को सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब ने और सारे गुरु नानक जी ने और बाकी जो दसों गुरु हैं उन्होंने इसको बनाया था, एक खालसा है, ये वीरों का धर्म है, इसके स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। तो अलग पंथ तो है ही नहीं। हिंदुइज्म की बात जहां पे आती है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, हम अपने आप को हिंदू कहते सबको प्रॉब्लम हो जाती है, आप हिंदू के वास्तविक नाम में आइए सनातन। आप किससे पूछेंगे, आप क्रिश्चियन से पूछे भाई क्या है, या आप अपनी साइंस को मानते हैं, साइंस में आप क्या कह रहे हैं, हम होमो सेपियंस हैं। क्यों, हम पहले बंदर थे, बंदर के बाद हमारी पूंछ घिसी हम होमो सेपियंस। हम नहीं मानते सनातनी, हमें अपने गोत्र पता है, हमको 5000 साल की परंपराएं पता है। हम सतयुग की बात कर रहे हैं, राजा मूरध्वज तो ये होमो सेपियंस हमारे यहां नहीं हुए। तो हम जिस चीज की लड़ाई, जिस चीज के, वो आपने बोला पंथ,
धर्म और पंथ में अंतर है, धर्म तो एक ही है, इसीलिए शुरू से कहा गया है धर्म की जय हो अधर्म का नाश। पंथ डिफरेंट डिफरेंट आए और लोग उस पंथ में अपने हिसाब से नियमों की जहां जहां पे कमी करते गए लोग वहां वहां अट्रैक्ट होते गए, तो किसी ने सनातन धर्म को समझा ही नहीं। सनातन शुरू से था, बीच में भी रहा, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाना। वो अज्ञान क्या है, ये जितना हमारा कंफ्यूजन है ये अज्ञान है, और जब हम इस स्टेज में पहुंच जाए जहां हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे वो ज्ञान। धर्म का सीधा सीधा मतलब इतना है, द्वंद का अंत ही धर्म। तो आप बोल रहे हैं कि अज्ञानता से जब ज्ञान की तरफ हम चलते हैं तो हम बेसिकली जो धर्म का मार्ग है उसके ऊपर चलते हैं, विच मीन्स कोई भी सही काम करना, मतलब एक 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 सर्टन वे जैसा भी बोला गया है सनातन धर्म में, उस हिसाब से काम करना जिससे हम अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ कि जब जब हम जा पाएंगे, तो उसका मतलब है कि हम एक्चुअली में धर्म पे चल रहे हैं। अगर हम अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ना जा पाए, ज्ञान की तरफ ना जा पाए, तो हम धर्म पे नहीं चल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली अभी यही कि धर्म पे ना चलना क्या है और धर्म पर चलना क्या है, क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ तो हम बढ़ेंगे, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं हमको लगता है हम तो बढ़ रहे हैं अज्ञानता से ज्ञान की तरफ। क्या यही ज्ञान की हम बात कर रहे हैं या कोई और भी तरीके का ज्ञान है जिसके बारे में हम सबको जानने की जरूरत है? देखिए अगर हम देखिए दो तरह की बातें आती है। बहुत लोग कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम, मैं मतलब लाइक सनातन धर्मी नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मैं रिलीजियस नहीं हूँ। राइट, मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मैं रिलीजियस नहीं हूँ। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअल है वो रिलीजियस है ही है। स्पिरिचुअल का स्पिरिचुअल मतलब लोग नहीं समझते, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा का संबंध, स्पिरिट से जो जुड़ा हुआ है। स्पिरिट का जहां मतलब आता है वहां तुम परमात्मा से जुड़े हो, तभी तुम आत्मा हो, तभी तुम आत्मा की बातें कर रहे हो। तुम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो मानता हूं लेकिन मैं न्यूटन को नहीं मानता और साइंस को नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है क्योंकि सेब जब गिरा तो वो नीचे गिरा, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि नियम न्यूटन ने दिया है और ये साइन कुछ होती है। इसी तरह बात है कि धर्म जिसे हम आज के टाइम में धर्म कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, अच्छा काम करो। अब इस अच्छे काम के दो मतलब है। अच्छा काम जहां आप कह रहे हैं वहां पे आपको काम से मिलने वाले फल की आशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन हम जो काम करते हैं वहां पे हमको आशा होती है कि हम ये काम करेंगे तो हमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमने जो पाप किए वो पुण्य में बदल जाएंगे, हमको स्वर्ग मिलेगा, लोग समाज में हमारा नाम होगा। तो ये अच्छा काम नहीं है, ये पद आप समाज के लिए कर रहे हैं और इसकी आड़ में आप अपने लिए कर रहे हैं, आपने कुछ भी सोल के लिए नहीं किया। लेकिन अच्छा काम धर्म क्या है, जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई भी सेवा कर, और जब भी ऐसी सेवा होगी वो तभी हो सकती है जब आप एक जीव के अंदर ईश्वर के दर्शन करने, वरना आप रोड पे चलने वाले को क्यों ही रोटी खिलाओगे, आपको क्या जरूरत है। तो धर्म का सीधा सीधा मतलब इतना है, जहां पे आपने बात की कि हमें कैसे पता चले, जब हम सब में ईश्वर की उस प्रतिमूर्ति को देखने लगे वो धर्म है। और ये तभी संभव है जब तुम धार्मिक, वरना जब तुम ईश्वर की सत्ता ही नहीं मान रहे तुम होमो सेपियंस के प्रति धार्मिक नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं एक स्केप्टिक हूं और स्केप्टिक क्योंकि अभी तक मैंने, मुझे नहीं पता कि ईश्वर है नहीं है, मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर गया नहीं, मुझे धर्म के बारे में भी नहीं पता, मैं एथीस्ट भी हूँ, मैं ये भी नहीं मानता कि कोई धर्म जैसा कोई पंथ है जिसके ऊपर मुझे चलना चाहिए, क्योंकि ना मैं आज तक, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैं कभी किसी और भी संस्था में नहीं गया, किसी गुरुद्वारे में नहीं गया, किसी गुरु के यहाँ पे नहीं गया, माथा नहीं टेका मैंने। अब अगर मुझे, मान के चलिए, कोई कह देता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत दुखी हो और आप आने की कोशिश करते हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अब मैं सडनली अध्यात्म के अंदर तो आ नहीं जाऊंगा, कोई ना कोई एक रास्ता तो मुझे चुनना पड़ेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ लाइक यू नो वो सही है या नहीं है, वो धर्म के हिसाब से है या नहीं है?
जब भी हम कोई भी रास्ता चुनते हैं, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई भी क्यूरियोसिटी है, तो उसका पहला क्वेश्चन आता है वाय, क्यों है, ये काम क्यों किया, ऐसे ही कर लिया कि कोई कर रहा है तो मैंने कर लिया, या तो जब भी आप क्यों करते हैं ना, तो हमेशा आपके पास एक आंसर होता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। तो यदि आप धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका बेसिक जो नीड है वो क्या है, शांति। तो यदि आप जो कर रहे हैं आपको उससे शांति मिल रही है, तो आप धार्मिक पथ पे सही बढ़ रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ही फिशी हो रहा है, जो आपके साथ धर्म जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो धर्म नहीं हो रहा। तो आपको किसी भी चीज की क्यूरोसिटी पहले होनी चाहिए। विदाउट क्यूरोसिटी आप कोई भी कार्य करेंगे, आप भीड़ चाल के पीछे भाग रहे हैं, आपको कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले आपका क्वेश्चन पर्सनल होना चाहिए, किसी के उधार का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। रास्ता मेरा है, सफर मेरा है, नीड मेरी है, तो मुझे क्यों है। फिर अगर मुझे कोई क्यूरियोसिटी है, जैसे मुझे ये कार्य करना है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, फिर मैं उस हिसाब से उस मार्ग पे चलूंगा। तो जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो पहला फंडा, जो पहला एक सबका क्लियर है कि भाई हम अच्छा काम करें। तो अच्छे काम की परिभाषा क्या है कि आपके अंदर एनवीनेस नहीं होनी चाहिए, आप किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, आपको किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से का कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, सबके प्रति आपके हृदय में सुहृदयता होनी चाहिए। अगर ये चार क्वालिफिकेशन है, तो आप वैसे ही धीरे धीरे धर्म के पथ पे बढ़ जाओ। अच्छा, अगर मैं धर्म की बात करता हूं तो उस केस के अंदर मुझे जो पर डे के जो रूटीन है, पूजा करना, पाठ करना या स्क्रिप्चर्स खोल करके पढ़ना, ये तरीके की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक बहुत प्रासंगिक उदाहरण है, शायद आपके व्यूअर्स को थोड़ा अजीब लगे मेरे मुंह से, लेकिन ये बहुत प्रासंगिक उदाहरण है कि जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, तो शुरू शुरू में तो कोई भी आदमी ये देखता है ना, उसको फॉलो करता है कि भाई हम उसको फॉलो करें। तो ये जस्ट लाइक कैसा हुआ कि हम ये कार्य करें कि एनवीनेस नहीं हो, हम हृदय से सबके लिए अच्छा सोचे, हम किसे ठीक है अच्छा है। अब आप किसी को फॉलो करते करते आप किसी से जान पहचान होगी, तो जब आपकी जान पहचान हो गई, तो आप उससे बात थोड़ा आपको ऐसा लगा कि अच्छा ये किस जगह से आता है या आती है, तो आप रोज उस स्थान पे जाने लगे, क्योंकि आप उसके पीछे हैं, आपको वो चाहिए, उससे बात करनी है, आपका मन लग रहा है। सेम यही कार्य होता है जब कोई किसी सत्ता की वो समझ जाता है ना, जब उसके त्रुट को स्वीकार कर लेता है कि अच्छा ये एंटिटी है, ये एग्जिस्ट करती है, एक सत्ता है, तो वो उस जगह पे जाते हैं जहां पे उससे आप इजिली मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर जगह नहीं है, जैसे वो अपने घर में भी है, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि वो रेस्टोरेंट 5 बज के 5 से 6 के बीच में आता है, तो आप उसे स्टॉक करने 5 से 6 के बीच में पहुंच जाओ। अब ये आपको किसी ने कहा नहीं, आप खुद कर रहे हो, वहां आपकी सेल्फ, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, क्यों, आपकी उससे बात हो जाएगी। फिर आपको पता चल गया, रोज आते आते उसने आपकी ओर नजर उठा ली, हाँ ठीक है बढ़िया अच्छा है, हाँ हेलो हाय होने लगा। आने वाले समय में जब आपको पता चला अच्छा इसको क्या खाना पसंद है, आपसे हल्का हाल कुछ कहते हैं आप, मैं आपको रोज देखता या देखती हूँ, ठीक है, अब आपको पता चल गया अच्छा इसको क्या पसंद है, अच्छा ये तो ऐसा इथनिक वियर पहनना पसंद है, या अच्छा इसको ये खाना पसंद है, तो आप अपना भी नेचर धीरे धीरे बदलने लगोगे। क्यों बदल रहे हो, इसलिए नहीं बदल रहे आपको किसी ने कहा है, आपको उस व्यक्ति से प्यार है, तो आप अपने आप को हूबहू वैसा बनाने लगते हैं जैसा आपको उस व्यक्ति को पसंद आ रहा है। आपके पर्सनल कोई चॉइस नहीं है, बार बार इस बात को समझना होगा। एक्चुअली वी आर नॉट गुड लविंग पीपल, वी आर गुड फियरिंग पीपल। हमने धर्म को एक हवा बना दिया है कि अगर तुमने अगरबत्ती नहीं दिखाई तो कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे। आप सोचने वाली बात है कि कृष्ण को कोई काम नहीं, तुम्हारी 5 अगरबत्ती सूंघने के लिए कृष्ण बैठे हुए, क्या मतलब है। लेकिन अगरबत्ती हम क्यों जला रहे हैं, हमें समझ में आना चाहिए हम आरती क्यों कर रहे हैं। 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर 9 इतने लोग आरती कर रहे हो और भगवान को चल रहे हो, तो मैं अपना एफर्ट क्यों नहीं डाल। तो पूजा पाठ व्रत धर्म उपासना ये तभी कारगर है जब उसके पहले तुम्हें उससे प्रेम हो और तुम उसको जानते हो। अगर तुम उससे प्रेम नहीं हो और तुम उसके नेचर को नहीं जानते हो, तो ये सब कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज है जिसका भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक मन घी का दीपक जला दो चाहे 10 मन घी का दीपक जला दो, यहाँ सारी बात इंटरनल रिलेशनशिप की है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज भगवान नहीं दे। अब मैं, क्योंकि आपने कहा कि इंटरनल रिलेशनशिप की है भगवान के साथ में, ये तो पूरी की पूरी कहानी। इंटरनल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली बनाए कैसे ईश्वर के साथ में, क्योंकि क्योंकि आपने कहा कि जिसको प्रेम करते हैं उस जैसे ही बन जाते हैं। जब हम बन जाते हैं इसका मतलब है कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है पूजा पाठ करना, आपने जिस हिसाब से बोला, और एक्चुअली के अंदर ये होता भी है बहुत लोगों के साथ में, दे एंजॉय डूइंग रीडिंग स्क्रिप्चर्स, डूइंग पूजा आरती पाठ एंड ऑल दैट, एंड इवन इसी तरीके से इवन दान और धर्म भी आ गए जो है वो लोग पुण्य वगैरह कमाने के लिए करते हैं। बट अगर मैं इंटरनल रिलेशन बनाने की बात करूं, जैसा आपने बोला, एग्जैक्टली कैसे बनता है भगवान के साथ में वो इंटरनल रिलेशन? देखिए, अगर एक एक बात मैं बताऊं और एक बात भगवान ने खुद बताई है, तो हम लोग प्रिफर करेंगे जो भगवान ने खुद बताई है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मैं अपना फील्ड बताऊंगा, भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है। लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस ही बताइएगा प्लीज, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले ये मुद्दा है कि भगवान ने क्या कहा, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि मेरी जिंदगी है तो मेरे पास एक ऑथेंटिक रूल है, बिना किसी सिस्टम के कुछ नहीं चलता, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। कोई अगर मुझे हृदय से पत्र पुष्प फल और जल भी लगा तो मैं उससे प्रसन्न हूं, लेकिन बात बात क्या है हृदय। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम उससे प्यार कर रहे हैं या हम उससे कैसे रिलेशनशिप बनाए, इसके लिए पहले आपको फर्स्ट स्टेप जानना है, आपको ये फेथ होना चाहिए कि कृष्ण या जिस जो आप जिसको मान रहे हैं, जैसे मैं कृष्ण इसलिए कहता हूं क्योंकि परम भगवान कृष्ण है, लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग स्पेशलिटी कृष्ण के ऊपर फोकस करते हैं, तो मैंने इसलिए व्यूअर्स के लिए कह दिया कि आप जिस बात को मान रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं इसका एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हम कहेंगे कृष्ण तो आधे लोग यहीं से हट जाते हैं कि अच्छा ये कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो हमें सुनना ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो एक परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं ये कृष्ण की जय जयकार कर रहे। प्रॉब्लम सारा क्या होता है, वो आगे की चीज को ना एक्सेप्ट करने के कारण पूरा वे ही नहीं सुनते कि क्या होने वाला है, और इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। और जिसको कृष्ण ने गीता में खुद ही कह दिया संशय आत्मा विनश्यते, कंफ्यूज व्यक्ति का विनाश हो जाता। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये बात विश्वास करनी है कि परम शक्ति है। जैसे अगर मैं कृष्ण भक्त हूं तो मुझे पता है कृष्ण है, पहले कृष्ण एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। थर्ड सबसे बड़ी बात जो कृष्ण ने कही है, उन्होंने कहा है आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं चाहिए मुझे, इससे बड़ी क्या बात है कि वो कह रहे हैं अपि चेत सु दुराचारो भजते मां अनन्य भात साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि अपने दुराचार को स्वीकार करके मेरी शरण ग्रहण कर ले कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं महादुराचारी हूं, अगर वो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझो, अब इतना प्यार करने वाला कौन मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको उनके होने पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और विश्वास तब होगा जब आपको इस बात का अनुभव होगा, और अनुभव कैसे होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था पहले आपका क्वेश्चन आपका होना चाहिए, फिर आप उस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसे पुराना स्रोत है सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म की जिज्ञासा है। फिर आप ब्रह्म की जिज्ञासा पढ़ेंगे तो आप वेद खोजेंगे, वेद हमें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वेद की बहुत क्लिष्ट भाषा है, उपनिषद खोजेंगे वो हमें समझ में नहीं आएंगे, फिर हम या तो कोई साधु खोजेंगे या उसका कोई और ऑप्शन खोजेंगे। तो भगवान ने कहा गीता की महिमा में सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, कि श्रीमद भगवत गीता सारे उपनिषदों का निचोड़ है, जिसे दूध दुहने वाले कृष्ण जी ने दूध के सारे उपनिषदों को गीता जी के रूप में हमें दे दिया। तो गीता के 18 अध्याय यदि कोई धार्मिक पढ़े तो अच्छी बात है, यदि कोई ऐसा भी पढ़े जिसको केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहा तो भी ये बहुत बड़ी बात नहीं, कि जब आप उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो धीरे धीरे ज्ञान योग कर्म योग उन दोनों के बाद आप जब भक्ति योग तक जाएंगे तो वो 18 अध्याय पढ़ते पढ़ते आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपने बोला बताया था कि अगर मैं अपने तरीके से बताऊं कि भगवान से इंटरनल रिलेशन कैसे तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं, तो आपकी क्या परिभाषा है?
जैसे गीता में बहुत सारे सूक्त हैं, हम के 700 श्लोक हैं गीता जी में। लेकिन अच्छा अर्जुन, सबसे बड़ी बात है कि कोई एक श्लोक कोई कह दे कि अरे मैं तो एक श्लोक से गीता समझ गया, बहुत ही फालतू की बात है, क्योंकि आप अर्जुन से ज्यादा स्कॉलर नहीं हो सकते। और अगर अर्जुन 18 अध्याय तक क्वेश्चन पूछ रहे तो आप इतने स्कॉलर नहीं कि आपको 3rd अध्याय में पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया और आपने कृष्ण को जो है वो एक एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो पहली बात है, आपको हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि जिनके बीच की कन्वर्सेशन है हम उनसे ज्यादा स्कॉलर नहीं है, तो हमें पूरी बात पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फिर आपको बार बार पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि मैं उस लेवल तक कभी नहीं जा सकता, मैं अर्जुन नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन की जो भगवान के प्रति भक्ति है, हम लोग इंटरनली अपने आप को जानते हैं। हर आदमी ये कह देगा, मैं ही आपसे कह दूं कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता, मैं तो किसी से एनवी ही नहीं रखता। तो ये बातें थोड़ी सी विचित्र हैं, क्योंकि हम संसार में हैं और संसार में जो है पंच भौतिक देह में 6 दोष जो आते ही हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मोह, और इन सबका पिताजी मात्सर्य। मात्सर्य मतलब मेरे समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये बहुत इंटरनल डिजीज है, सबसे खतरनाक डिजीज, इसमें 6 के 6 रोग आ जाते हैं। तो अपने को सोचना समझना पड़ेगा। तो एक कोई सूत्र हम पकड़ लेते हैं कि अच्छा मेरे लिए ये एक कारगर है, और मेरे लिए क्या कारगर था? भगवान ने कहा कि सुनो, ऐसा है कि मेरे भक्त का ना विनाश नहीं हो सकता, और योग क्षेम वहाम्यहम, उसके योग और क्षेम, उसकी भक्ति और संसार दोनों के कल्याण का वहन मैं करता हूँ। बस इस बात को धुरी मान के जो नियम बताए गए और साधु संघ जिसने उनको प्राप्त कर लिया है, जो उनको प्राप्त करने के मार्ग में चल रहे हैं, और जो उनको प्राप्त करने के लिए एस्पायर है, बस ऐसे लोगों का संग का दिन भर साथ। किसी से भी मिले। जैसे कोई साइंटिस्ट है, मैंने पिछले भी एक पॉडकास्ट में उदाहरण दिया था कि चंद्रयान जब बना तो साइंटिस्ट चाय की दुकान पे आके चंद्रयान नहीं बना, उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलके विज्ञान की लैब में उन सूत्रों पे उस चंद्रयान का निर्माण किया, चंद्रयान को वहां तक पहुंचाया, और वो किसी को क्लैरिफिकेशन देने नहीं गए कि ऐसे ऐसे बनता है और तुम भी बना के उड़ाओ, क्योंकि उनके साथ वही लोग थे। और अब उनसे जो इंस्पायर होंगे वो साइंटिस्ट बनने के लिए इंस्पायर होंगे, वो चंद्रयान उड़ा वो आगे कोई और यान उड़ाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो इच्छा जगेगी वो जगेगी वैज्ञानिक बनने की, कि अगर ये चंद्र तक पहुंच सकते हैं तो हम इससे कुछ एक आगे पहुंच सकते हैं। संघ किसका करेंगे? वैज्ञानिकों का। बुक किसकी पढ़ेंगे? वैज्ञानिकों की। कॉलेज कौन सा ज्वाइन करेंगे? वैज्ञानिकों का। इसी तरह जब हम ब्रह्म की खोज में निकलते हैं तो हम हर चाय की दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति से सिद्धांत नहीं ले सकते, क्योंकि लोगों ने तो चंद्रयान में भी ज्ञान बता दिया कि अरे ऐसे नहीं, अगर ऐसे जाता तो पहली बार में ही सफल हो जाता। लेकिन उन्हें पता है ना, जिन्होंने अपना दिन रात दे दिया, और तो बहुत बड़े स्कॉलर। इसी तरह जो भजन कर रहे हैं सच्चे रूप से, उन्हें पता है कि आपके मार्ग में क्या क्या अड़चने आती हैं, और ऐसे लोगों का संग करने से। तो मेरे जीवन में पहली चीज, एक सूत्र पकड़ लीजिए जिसपे आपको पूरा विश्वास हो, क्योंकि जिसने विश्वास किया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहली बात सूत्र पकड़िए, विश्वास करिए। दूसरी बात है वैसे लोग का संग करिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी का भी संग करिए, किसी ने भी कहानी सुना दी तो वही उस संग हो गए, नहीं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इसके लिए आपको उनकी क्वालिटीज जाननी पड़ेगी। मैं ही कह दूं मैंने चंद्रयान बनाया तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो साइंटिस्ट हो कि नहीं। तो जब भी इसीलिए मैंने बात यही टोक दी कि बहुत सारे लोगों ने आज बहुत तरीके से व्यापार बना रखा है, लेकिन भगवत मार्ग के पथिक को उनके अंदर की क्वालिटीज पता होनी चाहिए, और उस क्वालिटीज को जान के उनका संग करिए, और एक पेशेंस के साथ कॉन्टिन्यूटी में चलिए। ये रास्ता ऐसा नहीं है कि आज आप साधु बने, कल आपको भगवान मिल गए, परसों आप दर्शन देने लगे। ये रास्ता कॉन्टिन्यूसली चलने का और पेशेंस के साथ चलने का, विद रेफरेंस चलने का, विद प्रूफ चलने का, लेकिन इन सबसे ऊपर जो थ्रोन है वो थ्रोन है फेथ का, बिलीव का, कि ये है। उसके लिए आपको उन्हें अनुभव करना पड़ेगा, और मैं फिर बोलूंगा अनुभव बस एक तरीके से हो सकता है, कलयुग केवल नाम आधार। आप जितना उसके बारे में चिंतन करेंगे उनके नाम के थ्रू,
उतना आपको उनकी शक्ति और उनके बारे में अंतर मन में स्वतः जागृति होगी, क्योंकि भगवान का नाम कोई स्थूल जड़ नाम नहीं है। जैसे भगवान चेतन है वैसे भगवान का नाम भी चेतन। मतलब मैं तो अभी से घूस बम सारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान से किस तरीके से एस्टैब्लिश करें, आपने बहुत ही खूबसूरती से उसके बहुत अच्छे से बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई एक इंसान जो कि इस पथ पर, अध्यात्म के पथ पर एक बार चलना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर अंता मन के अंदर किस तरीके के विचार आना शुरू हो जाते हैं, उसको कैसे पता चले कि वो सही मार्ग पे है भी या नहीं है? पहली बात, ये बात मैं सबको आपके पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ कि अध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बात मैंने पहले इसलिए कह दी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा कोई साधु बाबा जी बन के भगवान को प्राप्त करता है या अधिक भक्त जो होते हैं वो साधु बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साधु एक स्वभाव का नाम है, जहां पे वो कह रहे हैं जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसों रघुराया, जिनके हृदय में कपट दंभ और माया का प्रवेश नहीं है श्री रघुनाथ जी उनके हृदय में बसते हैं। तो ये किसी भी आश्रम में रह के किया जा सकता है, और फिर वर्ण आश्रम, फिर आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास और उसके अनुरूप लोग हैं जिन्होंने उस साधन पथ को चुना है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा या हम अध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं। फिर पहली बात है, आप जिस भी आश्रम में, ये आपकी एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, आपको हमेशा इस बात का पता रहना चाहिए मैं गृहस्थी हूं, लेकिन एक्सटर्नली जैसे आप समाज के लिए कुछ है लेकिन आप इंटरनली कुछ और है। जैसे आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको एक आइडेंटिटी दिखानी पड़ती, लेकिन आप बस वही है क्या? ऐसा नहीं होता, आप बहुत कुछ है लेकिन समाज ने आपको एक आइडेंटिटी में बांध दिया कि हाँ भाई इतनी तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हें दिखाना है एक्सटर्नल। तो आप जो गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी और ब्रह्मचर्य, ये सब एक्सटर्नली, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये सदा पता होना चाहिए, इंटरनली मैं कौन हूं? मैं उस परम शक्ति कृष्ण का दास हूं और मेरा और उसका संबंध अभिन्न है, अनंत है, अनादि है, और वो स्वयं भी चाहे तो इस संबंध को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। इतनी बात अगर एक व्यक्ति को समझ में आ रही है तो बस वो आध्यात्मिक है। और इसी के उलट कोई सन्यासी भी है जिसने सन्यास का वेश धारण कर लिया है लेकिन उसको इस बात का अहंकार है कि मैं सन्यासी हूं, मैं इस पदवी को बिलोंग करता हूं, मेरे इतने डिसाइपल्स हैं, मेरा इतना आश्रम है, मुझे इतने लोग जानते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल गया कि वो क्यों है, वो कृष्ण की वजह से है। तो वो बाहर से सन्यासी है, इंटरनली वो बहुत ज्यादा माया मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है। लेकिन एक व्यक्ति जो घर में रह रहा है, अपने परिवार की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है और इंटरनली खुद को कृष्ण का सर्वेंट मान रहा है, तो वो प्योर भक्त, शुद्ध भक्त। तो भक्ति का प्रथम बात जो लक्षण है वो ये है, हम एक्सटर्नली कुछ भी हैं लेकिन हम इंटरनली कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए हैं और कृष्ण से हैं। जब हम कृष्ण को पहली बार सर्वस्व मानेंगे तभी हम उनके साथ रिलेशनशिप स्टेबल कर सकते हैं। पहले आपको कृष्ण को या उस परम सत्ता को मानना तो पड़ेगा कि ये परम सत्ता और मेरा इसके साथ अभिन्न संबंध है, ये मैं किसी की एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे साथ माता के गर्भ में थी जब मैं किसी को नहीं जानता था, मेरी कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटी नहीं थी, मुझे कोई रोटी देने नहीं आ रहा था, मैं किसी सोशल एटिकेट में नहीं था, वहां पे जो मेरी रक्षा कर रहा है वो वहां के बाहर क्यों नहीं रक्षा करेगा? जब ये पूरा विश्वास अड़ जाएगा तो आपको कृष्ण की अनुभूति होने ही लगे। अच्छा, क्योंकि ऑफकोर्स ईश्वर तो हर किसी के साथ है और अदर हर किसी के शायद अंदर ही है, ऐसा हम मानते भी हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि ईश्वर हर इंसान का रक्षण करते हैं और उसको बिल्कुल हर तरीके से, किसी भी तरीके से परेशानी ना हो उसका ये ख्याल भी रखते हैं, पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में चल बसते भी हैं, तो इस इन सब के अंदर क्या ईश्वर क्या उनकी रक्षा नहीं करना चाहते थे? क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत है दिमाग के अंदर और ये आएंगे, ये स्वतः हैं जो आते ही रहेंगे आपको, तो
तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ईश्वर उन बच्चों की को की रक्षा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको या तो गर्भ में ही मार दिया, या बच्चे पैदा हुए फिर किसी बीमारी के साथ मर गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ? देखिए, सनातन धर्म में प्रथम चीज है, हम दो चीजों पे मानते हैं ना। फर्स्ट चीज हम कर्मा मानते हैं, कर्मफल सभी मानते हैं। अगर कोई सनातनी और आध्यात्मिक है तो वो कर्मफल मानता है। सेकंड चीज, हम सनातनी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? वातांसी चीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहणानि ततो वराणि। हम कहते हैं कि हम इस शरीर को कपड़े की तरह यूज करते हैं, एक कपड़ा छोड़ते हैं और दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती। इतना तो क्लियर है, हर सनातनी मानता है इस बात। तो कर्मा हमारे साथ चलता है। तो जिसको आज आप तुरंत मरता देख रहे हैं, उसको पिछले ही जन्म में अपने कर्मों के अकॉर्डिंग 80 साल की उम्र में मरना था, लेकिन वो 79 साल और 29 दिन पे मर गया। और वो इधर पैदा हुआ, उसके बाद वो एक दिन बाद अपनी उम्र पूरी करके मर गया। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं वो गूंगे बहरे पैदा होते, तो उन्होंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन हम आज देख रहे हैं इस बात को। लेकिन उन्होंने अपने, क्योंकि वो कपड़ा बदल रहे, वो कपड़ा बदल रहे, लेकिन उन जो अंदर एंटिटी है वो लिविंग एंटिटी, जिसने कर्मा कर रखे, ये संसार कर्म फल भोगने की जगह, और जीव को इतनी अथॉरिटी बन रही है कि वो अपने कर्मों को करके उस कर्म फल को चेंज कर सकता है। लेकिन जब पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया, मान लो कोई आतंकवादी है, तो उसको कर्म का फल क्या मिला? वो लूला पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, काना पैदा हुआ। और कोई बहुत दानी है लेकिन बहुत गरीब है, तो वो इस जन्म में क्या पैदा हुआ? मान लो कोई बहुत गरीब है, उसके पास एक रोटी थी, उसने दान कर दिया, तो वो अगले जन्म में क्या हुआ? अगले जन्म में बड़ा वाणिज्य वाला व्यक्ति हुआ। अगर इसको सांसारिक एग्जाम्पल से समझें, तो आप क्या, कोई बंदा है जो असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहा है और आप उसको बहुत दिन देख रहे हो, आप उसको सडनली उसका इतना सारा काम देख के उसको आप सीनियर एडिटर बना देते? लेकिन कोई सीनियर एडिटर है जो आप देख रहे हो पैसे के कारण न्यूज छाप तो रहे, लेकिन उनका न्यूज पे कोई वो पैसा लेके छाप रहे, सच्ची बातें नहीं कर रहे, तो आप उनको डिमोट कर देते, या कंपनी उनकी चेंज कर देते, या उनका डिपार्टमेंट बदल देते। बस सेम काम कर्मा करता है। वो एक जन्म में आपको अच्छा शरीर दे रहा है, आपको रास्ता बता रहा है, आपको पदवी दे रहा है, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, वो अगला जन्म आपको आपके कर्म के अनुसार। तो सब कुछ कर्म फल पर डिपेंड है। यहाँ भगवान कुछ कर ही नहीं रहे, हम जो बो रहे हैं वही काट रहे। अगर भगवान को बताए, सब कह दे कि अच्छा ऐसी बात है, तो काटा होना ही नहीं चाहिए। काटा भी है, फूल भी है, तुमने कांटे में हाथ क्यों डाला है? तो नेचर है। तो अच्छा भी है, बुरा भी है, और एकमात्र मनुष्य ऐसी जात है, ऐसा 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 शरीर है जिसपे भगवान ने बुद्धि दी है, या और किसी को नहीं। और सही गलत करने का डिसीजन भगवान ने मनुष्य के लिए स्वतंत्र रखा। आपकी इसी बात से एक फिर से सवाल, क्योंकि दिमाग में उपज रहा है मेरे, और वो ये कि अगर सब कुछ फिर कर्मों के ही अंतर आता है कि मैं जैसे कर्म करूंगा वैसा ही मेरा फल मैं भोगने वाला हूं, तो उस केस के अंदर मैं ईश्वर की तरफ जाने के लिए या भक्ति के लिए या मैं किसी भी तरीके की पूजा पाठ के अंदर क्यों जाऊं? मैं तो अपने अच्छे कर्म ही करूं और आगे तो मुझे कर्मों के हिसाब से तो कुछ मिलने वाला है, तो फिर मैं ये क्यों मानूं कि ईश्वर मुझे मेरा रक्षण भी करेंगे और मुझे बिल्कुल एकदम बेस्ट देंगे? हाँ, तो मत मानिए, तो आप ईश्वर की सत्ता मत मानिए। आप एक बात समझिए कि आप सूर्य को मानिए चाहे नहीं मानिए, आप मत मानिए सूर्य है, आपकी नहीं है, एक लाइट आ रही है, मैं उजाले में उठा, मैं क्यों मानू सूर्य है? मुझे तो दिन में उठना ही पड़ रहा है, मुझे तो खाना बनाना ही पड़ रहा है, मुझे तो नौकरी जानी पड़ रही है, तो मैं क्यों मानू सूर्य? मत मानू सूर्य है। उसका फर्क कहाँ पड़ेगा? जब आप धीरे धीरे रोज उठने लगोगे, तो कभी आप 4 बजे भी उठोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा जब आप किसी दिन नौकरी नहीं कर रहे हो और उस दिन आप कभी जाओगे नेचर में और आप देखोगे, अच्छा सूर्य के उगने से कली भी खिलती है, चिड़िया भी चहचहाती है, पक्षी भी कर रहे हैं, नदियां बह रही, झरने फूटे, तो आपको पता चलेगा, अच्छा अकेले मैं कोई एंटिटी नहीं हूं जो बहुत कुछ कर रही है, इस सूर्य ने बहुत कुछ कर रखा है। तो आपकी सूर्य के प्रति इंपॉर्टेंस बुद्धि आ जाएगी। जब आप अपने ईगो को खत्म करोगे कि मैं कुछ हूं, तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो स्वयं को कर्ता मानते हैं,
अहम इति मन्यते, कि मैं करता और इसी कारण वो फंस जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप, अगर आप कर्म के रूप में भी हैं लेकिन आप सद मानते हैं, तो जैसे आप कोई अच्छा काम कर, तो भाई कर तो प्रकृति शक्ति का ही रहे हैं, तो प्रकृति आपको अपनी ओर आने का रास्ता दे ही देगी। तो भगवान ने कहा तेषां सतत युक्ता नाम भजामी प्रीति पूर्वकम, जो कॉन्टिन्यूस वे में मेरा पूजन कर रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तक, मैं स्वयं उन्हें बुद्धि योग दे देता हूँ, ये नमाम उपयांते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर। तो भगवान ने ये भी जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर तुम सच्चे रूप से सही मार्ग पे चल रहे हो, तो मैं स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होके, जिसे गुरु कहा जाता है, आपको वो मार्ग दूंगा, वो बुद्धि योग दूंगा, जिससे आप मुझ तक आ जाए। आपको ये भी नहीं करना, भगवान इतने प्यारे। तो क्या कलयुग के अंदर जो हम धर्म के मार्ग पे, क्योंकि धर्म के परीक्षा तो ईश्वर ले ही रहे हैं, सतयुग में भी ले रहे हैं, तो आई एम श्योर और युगों में भी लेते होंगे, तो इस युग के अंदर भी आई एम श्योर ईश्वर परीक्षा तो लेते होंगे कि आप धर्म के मार्ग पर हैं या नहीं है, आपके अंदर अध्यात्म है या नहीं है, तो किस तरीके की परीक्षा होती है इस कलयुग के अंदर? हाँ, देखिए परीक्षा उनकी होती है जो पढ़े लिखे होते हैं। सबसे पहली बात है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हमारी परीक्षा क्या होगी? पहली बात में मान जो हम पढ़े लिखे नहीं है, तो परीक्षा तो उनकी है। जैसे कोई ग्रेजुएट बंदा हो, मैंने पहले भी आपको बोला, मान लीजिए कोई पीएचडी का बच्चा, तो पीएचडी का बच्चा पीएचडी वाले से पूछा है पीएचडी का पेपर कैसा होगा, अच्छा लग रहा है। अब कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा है, बात पूछे, अरे अच्छा तो पीएचडी का पेपर तो इस टाइम भी होता होगा, कैसा होगा? तो सामने वाले कहेंगे भाई पहले प्राइमरी पास कर ले, फिर मैट्रिक पास कर ले, फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब ही तेरा नंबर आएगा भाई। अभी कैको लगाए चक्कर में, पांच में पास नहीं है, पीएचडी की बात करें, सेम बात है। हमको कृष्ण ने कहा है कि आप भजन करो, मैं आपको मिल जाऊं। हम उसी में अपना तरीका निभा ले रहे, भाई देखो ठाकुर जी तो सब जानते हैं, मेरे से तो इतना नहीं हो सकता, मैं तो दो माला कर लूंगा। तो जब हम खुद ही बैक बेंचर से और ग्रेस मार्क से पास हो रहे, तो हमें एग्जामिनेशन की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि भगवान ने कहा मैं तुम्हें फेल नहीं होने। लेकिन जहां परीक्षाओं की बात है, वहां मीराबाई की जहर देके परीक्षा इसी कलयुग में हुई है, ये दूर नहीं गए हम। वहां स्वयं भगवान अवतार लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा रहे, जगन्नाथ मंदिर के पुजारी उनको धक्का मार के बाहर निकालते, और बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु एक समय पे तीन जगह विलीन होकर अपनी भगवत्ता दिखा रहे। इतना सब करने के बाद भी वो कह रहे मैं भगवान नहीं। तो इसी कलिकाल में सब कुछ इसी कलिकाल में हुआ, इसी कलिकाल में सूरदास जी आए, इसी कलकाल में तुलसीदास जी आए। और अगर हम हिस्ट्री मानते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं, हम सबसे गलत बात है कि धर्म को माइथोलॉजी कहना, मिथ जहां आप लगा देंगे आपको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप अकबर को मानते हैं, हिस्ट्री मान रहे हैं, तो आप मीरा को भी मानते हैं, और अगर आप मीरा को मान रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि मीरा सशरीर ठाकुर जी के अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। तो इसका मतलब आपकी साइंस को थोड़ा चक अचरज करने वाली तो जो भक्त है वो अभी आ चुके हैं। और गौड़ियों में, चूंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि गौड़ीय संप्रदाय बंगाल से प्रकट हुआ, मैं इससे बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मीरा जी हम सबके बहुत क्लोज है, क्योंकि पूरे भारत को मीरा के बारे में पता है। लेकिन ऐसे अनंतानंद भक्त हुए जो बाईसा के समकक्ष हुए और बाईसा के साथ रहे, जैसे नरोत्तमदास ठाकुर महाशय जो गौड़ीय संप्रदाय में आए, और जिन्होंने अपनी देह त्याग नहीं की, उनके शिष्य उनको यमुना जी में स्नान करा रहे थे और वो दूध की तरह बहेंगे गए। ऐसे ही बहुत सारे संत आए जिन्होंने अपनी देह को बहुत आराम से, बहुत दिव्य लीलाओं से छोड़ा। और कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार है और वो फूल के रूप में बदल गए, दोनों लड़ रहे थे और दोनों फूल लेके चले गए अलग अलग जगह। तो भक्तों की जो परीक्षा है उसका अगर आपको उदाहरण लेना है, तो आप बहुत ज्यादा अगर हम किसी से व्यावहारिक है तो मीरा बाई से, और मीरा की पूरी जिंदगी परीक्षाओं पे, तो आप खुद देख सकते हैं भगवान कलयुग में कैसी परीक्षा। लेकिन आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए, भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अनपढ़ों की परीक्षा नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरे मन मंदिर के अंदर अगर अध्यात्म की ज्योत, भक्ति की ज्योत अगर जल रही है, तभी ईश्वर मेरे पास परीक्षा लेने भी आएंगे, राइट? अच्छा, ऐसा क्या होता है, क्योंकि आप वृंदावन से हैं, वृंदावन के अंदर, क्योंकि मैं भी बहुत
कई बार गया हूँ और जाता रहता हूँ, सो ईश्वर बुलाते हैं राधर, मैं ऐसा बोलूंगा। सो वहां पर ऐसा क्या है कि वहां जाते ही हर इंसान के अंदर, जो कि शायद पहली बार भी जाता है, वो भी कृष्ण के रंग में रंग जाता है, ऐसा क्या होता है वहां पर? आपने कभी घर में ऐसा देखा है, हीटर कहीं जल रहा हो आपके कमरे में तो आपके पूरे कमरे में गर्मी हो जाती हाँ जी है? उसके लिए जरूरी थोड़ी आप हीटर के ऊपर हाथ रख दे। ये ब्रिज 84 को उस प्यार का हीटर, जहां पे सारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन हीटर के पास जाने के लिए एक सबसे बड़ी जो कॉशियसनेस रखनी पड़ती है, कॉशन, गीले होके मत जाओ, करंट मार दे। इससे डाउट्स का, अपनी परसेप्शंस का, कृष्ण के प्रति पूर्ण ज्ञान ना होने से कृष्ण, कृष्ण के तत्व, कृष्ण के तत्व की गुरु गोपियां और गोपियों की आराध्या राधा रानी के प्रति हम जो अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है, उसके कारण हमें यहाँ आके उस चीज का, उस हीटर की गर्मी नहीं मिलती, उससे करंट लगता है, शॉक। लेकिन एक्चुअल ब्रिज क्या है, अगर आप सच्चे मन से ब्रिज आ रहे हैं और आप वेसल बन के आइए, खाली वेसल, आपका वेसल जितना गहरा होगा आपको उस हिसाब से प्रेम मिलेगा। और ब्रिज ऐसी जगह है जहां पे अगर आपके पास वेसल नहीं भी, तो पहले यहाँ की स्वामिनी आपको वेसल देगी, उसके बाद उस वेसल में आपकी भूख के बराबर प्रेम मिलेगी। तो ये उस हीटर की तरह, इसलिए मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिस तरह ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा प्रकृति में प्रवाहित होती है, वैसे प्रेम भी एक ऊर्जा है और वो प्रकृति में प्रवाहित। कैसे जाने कि क्योंकि भक्ति जब आपके अंदर आती है, तो आई एम श्योर कि भक्ति के साथ साथ में प्रेम भी आता है कहीं ना कहीं। आपने जैसे बोला ना कि आपको अगर हर इंसान के अंदर अगर ईश्वर दिखना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब है कि आप सही मार्ग पर हैं, आप ईश्वरीय मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं आप। सो अगर मुझे एक्चुअली के अंदर इस मार्ग पर अगर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, और मुझे जहां पर भी हूं मैं वहीं रहकर आगे बढ़ना है, तो क्या क्या ऐसा इंसान करे कि वो आगे इस मार्ग के ऊपर और उन्नत होता चला जाए, और जहां पर आपने पीएचडी की बात करी, उस पीएचडी तक तो कम से कम पहुंच जाए? उसके लिए पहले आपको बेसिक्स समझने पड़ेंगे। बेसिक्स क्या है कि आपको सबसे पहले फिफ्थ क्लास पास करनी है। फिफ्थ, पहली बात, आपको ये विश्वास होना चाहिए मैं कृष्ण का हूं, मेरा उनसे नित्य संबंध है, मुझे उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। एक्सटर्नली मैं कुछ भी हूं, इंटरनली मैं कृष्ण का दास हूं। फर्स्ट स्टेप। अब यहां की सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट स्टेप ही लास्ट स्टेप। जैसे कोई गाना सीखता है तो सा की प्रैक्टिस करता है, और जब आप म्यूजिशियंस के पास जाएंगे ना, तो वो अंत तक कहते हैं तुम सा की प्रैक्टिस करो, तुमको रोज आधा घंटा एक घंटा सा की प्रैक्टिस करनी है। तो जिसका भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम इसके प्रति पूर्ण एक आसक्ति बनी है, वो भक्त है। जब आप इतना कर लेंगे, जब आपको भगवान के नाम में प्यार हो जाएगा, तो नाम ही आपके आगे प्रकट हो जाएगा। इतनी सहज सी बात है, अगर आपको भगवान के नाम में बोझ नहीं लग रहा तो आप भक्त हैं। अगर आपको भगवान के किए हुए कृत्यों में बोझ लग रहा है तो आप कुछ भी एक्सटर्नल कर। क्योंकि आपने बोला कि अगर आप कुछ भी, अगर भगवान का नाम अगर आपको बोझ लगने लगता है, वो एक्टिविटीज जिनके थ्रू आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं, वो अगर बोझ लगने लगती है, तो कहीं ना कहीं आप उस मार्ग पर नहीं है। पर आई एम श्योर कि जिस तरीके का जीवन हम जीते हैं, मोस्ट ऑफ अस, वो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, हम अपने कामों में भी एक्टिव हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो किस तरीके से आप एग्जैक्टली भगवान के लिए समय निकालें, या उस मार्ग पर चलने के लिए समय निकाल पाए? अगर हम लोग ढंग से देखें ना, तो आप देख, मैंने पहले सब सब चीज की महत्ता है, आप उनको कितनी प्रायोरिटी दे रहे, यहाँ सब बात ही अलग है। आप उन्हें प्रायोरिटी दे रहे कि नहीं दे रहे, आपका प्यार इस बात पर डिपेंड करता है। आप सुबह सो के अगर 9 बजे उठे, आपको मेरी लाइफ बहुत हैक्टिक है और मुझे तो 2 बजे सोना पड़ता है, अच्छी बात है। और वही कोई आपकी बिलवेड आ जाए और 4 बजे, तो आप 3:30 बजे उठ के फटाफट बना देंगे खाना, क्योंकि वो आपको आपको ये पता है कि अभी मेरे को इसके साथ बात करनी है, आपको इस बात का फील है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए 24 घंटा जॉब करने के बाद भी छुट्टी लेके भागेंगे, और उसको जाके कहते हैं पता है ना, तो 24 घंटा नौकरी की, लेकिन मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से देखो छुट्टी लेके आया हूँ, अब चलो 3 दिन देखो, तुम्हारे लिए इतना सब करने के बाद भी गाली सुननी पड़ेगी,
कंपनी में सुनना पड़ेगा, एडिटर की उसकी, कहते हैं ना ऐसा होता है ना, के साथ होता है, हम सभी करते हैं ऐसा कि हाँ भाई अभी देख देख ऐसा। कभी कृष्ण के साथ ऐसा किया, कभी उनको उनके लिए टाइम निकाला, कभी जन्माष्टमी पे भागे। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम पेड लीव लेके भाग जाते हैं, अरे कोई बात नहीं रे, एक दिन की सैलरी कटेगी चलेगा, अभी वो रूठ जाएगा या वो रूठ जाएगी तो कैसे काम चलेगा, ऐसा होता है ना, कितनी बार होता है। कभी कभी कृष्ण के साथ ऐसा हुआ क्या कि नहीं जन्माष्टमी नहीं ले, मेरे को छूट जाएगा छूट जाएगा, मेरे को तो आज जाना है, या आज तो नरसिंह चतुर्दशी, या आज तो राधाष्टमी है, या आज तो नहीं यार मेरे 2 दिन से माला नहीं हो रही, आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मेरे को इतनी लीव्स बची है और मुझे अपनी माला पूरी करनी है, ऐसा हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको उसके लिए प्रायोरिटी नहीं, आपने उसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक्सटर्नल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको आपको कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे। अगर आप इंटरनली जुड़े हैं तो आप अपना टाइम निकालोगे, टाइम सबके पास 24 आवर्स है, और आपको बताए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो घर में खाली बैठा हुआ है। प्रेजेंट में अभी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आप उसमें ध्यान से देखोगे जाके तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का प्रवेश हो गया है, खतरनाक तरीके से, IITians, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मीन्स इन PhD ऑल्सो, बहुत बड़े बड़े मास्टर्स, सब अभी अध्यात्म की ओर भाग रहे। तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ आके खाली बैठ जाते हैं? नहीं, उनका पुराना जो एक जीवन है वो उनसे छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? जो उनके पहले स्टूडेंट्स थे या कलीग्स थे या को वर्कर्स थे या एक सोसाइटी थी, अब वो उन्हें एक दूसरे नजरिए से देख रही है, तो अब वो उनके पास इंस्पायर होने आती है, तो वो फंसे वैसे ही है, उनके पास आज भी उतने काम है। अगर मैं अपनी बात को, मैं तो बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे पता है, आपको हंसी की बात कहूँ कि मतलब लाइक हम लोग कोई कर रहे तो हमें पता है अभी हमें दर्शन करने जाना है, देन मुझे एक क्लास लेनी है, फिर मुझे बुक्स लिखनी है, फिर इस सब के बाद मुझे अपने नियम करने, तो मैं ये कह नहीं सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं खाली बैठा हूं। खाली बैठा व्यक्ति कुछ नहीं करता, हर बात डिपेंड होती है आप उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो यदि कोई नौकरी भी कर रहा है और 8 घंटे की नौकरी भी करके घर में आ रहा है, तो आप अपने सोने को भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कभी कभी तो 5 घंटा भी सो रहे हो और कभी कभी आप 8 घंटा भी सो रहे हो, तो आप 5 घंटा 6 घंटा सो लो, 1 घंटा पहले उठ जाओ, लेकिन आप अपनी नींद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो उस परम शक्ति, केवल आपके अपने इंपॉर्टेंस की लैक के कारण आप भजन नहीं कर पा रहे हो, वरना टाइम सबके पास, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बिजी कोई नहीं होता है, बात प्रायोरिटी की होती है। ये एक सोशल बात है, हम हमेशा आपस में दोस्तों में रिलेशनशिप्स में कहते हैं कि भाई तुम रिप्लाई कर सकते थे, नहीं नहीं यार आई वाज सो बिजी। बिजी कोई नहीं होता, बात प्रायोरिटी की होती है, ये बात अध्यात्म में भी लागू है, बिजी कोई नहीं होता, बात प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी तो बहुत क्लियर है, ईश्वर की तरफ है। मैं जानना चाहूंगा कि एक स्पिरिचुअल इंसान का, क्योंकि आपके साथ में मैं बात कर रहा हूँ, जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या नियम होता है पूरे दिन का। देखिए अगर आप मेरी बात करें तो मैं चौथे आश्रम में अर्थात मैं संन्यास मार्ग में प्रवृत्त हूँ, उससे पहले मैं गौड़ीय संप्रदाय का एक वैष्णव हूँ। तो हमारे यहाँ पे गुरुओं ने एक मार्ग बता रखा है, जो सबसे पहला मार्ग, सबसे पहला जो एक हर वैष्णव का धर्म है वह है नाम जप। नाम जप हम सबसे ज्यादा, हमारा फर्स्ट चीज है नाम जप, आप जितना अधिक नाम जप कर सके, फिर उसके बाद में भगवान की सेवा, एक सात्विक जीवन, मांस मदिरा आदि से दूरी, जुआ नहीं खेलना, असुरक्षित और व्यभिचार नहीं करना, और उसके बाद में आपको भगवत अपना दिन भर की दिनचर्या करनी, आपको कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन आपको भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का चिंतन करना, इस तरह की एक नॉर्मल क्रिया एक वैष्णव की है। हम लोगों के साथ थोड़ा सा क्या हो जाता है, हम चूंकि तिदंडी है तो हमारे पास सन्यासी है, तो हमारे पास भी कि हमको हमारे गुरुओं द्वारा एक नाम संख्या दी जाती है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा कार्य होता है शास्त्र अध्ययन करने का, हमें शास्त्र अध्ययन करने, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप कुछ भी चीज कहानी नहीं सुना। मैं आपको कोई भी दृष्टांत दे रहा हूं तो बार बार में एक गीता का वर्स उठा रहा हूं, या मैं रामचरितमानस का एक वर्स उठा रहा हूं, तो हमारे पहली बात ही मना की गई कि आप किसी को स्पिरिचुअली बहका नहीं सकते। एक बार की बात है, एक राजा था वो नदी में कूद गया, ऐसे इससे अध्यात्म नहीं चलता।
तो हमारे यहाँ कहा गया है सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस्य, प्रिंसिपल्स देने में आलस्य मत करो। तो वो रेफरेंस हम तब देंगे जब हमें रेफरेंस पता हो। तो हमें ऑथेंटिक रेफरेंस देने बोनाफाइड गुरु से और बोनाफाइड स्क्रिप्चर से, आलतू फालतू की बुक से नहीं, आलतू फालतू के लोग के लिखे हुए नहीं। तो हमें शास्त्र अध्ययन करना है। थर्ड काम हमें नाम प्रचार करना है। नाम प्रचार करने से पहले वैष्णव सेवा करनी है। तो हम लोग का जीवन सुबह शुरू हो जाता है 3:30-4 बजे से, और संध्या में अगर कोई कार्य नहीं है तो 11:30-11 तक, और अगर कोई सेवा पड़ गई तो फिर उस सेवा के हिसाब से, जिसमें हमारा सुबह उठ के अपने नित्य नियम यज्ञ आदि कर्म, श्री ठाकुर जी की सेवा, उसके बाद में नाम प्रचार, ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ लेखन, बच्चों की क्लासेस लेना, खुद पढ़ने जाना, अपने से बड़े सन्यासियों के पास में साधु सेवा करना, ब्रज की सेवा करना, ऐसे बहुत सारे। अमेजिंग अमेजिंग आई वुड से। महाराज जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब अध्यात्म की और मेडिटेशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट के अंदर मेडिटेशन के जगह जगह पर स्कूल्स खुल चुके हैं और अलग अलग तरीके के मेडिटेशन भी होते हैं और अलग अलग संप्रदाय उसको करा भी रहे हैं। सो मेडिटेशन और अध्यात्म, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीजें हैं और एक ही जगह पहुंचने वाले हैं? आप मेडिटेशन कह रहे हैं तो बस सेम बात है, एक्सटर्नल एक्टिविटी। आप अध्यात्म कह रहे हैं तो इंटरनल एक्टिविटी। आप ऊपर नीचे लटकने लगिए, एक से ना लीजिए, एक से ना आता छोड़िए, अच्छी बात है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल एक्टिविटी है। अब इसी को हम लोग क्या जब करते हैं तो हम भी अनुलोम विलोम करते हैं, हम भी कपाल भाति करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब एक श्वास लेते हैं तो मंत्र के द्वारा अंदर लेते हैं। जैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सांस खींची, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे, अनुलोम ये अंदर गई। फिर जितनी देर सांस लेके अंदर किया, जितनी देर मंत्र पढ़ा, उतनी देर मंत्र पढ़ेंगे, तो सांस कितनी देर रुकेगी, उतनी देर रुकेगी। फिर हम फिर वापस से वही मंत्र पढ़ के उतनी देर में सांस बाहर निकालेंगे। तो हमारा अनुलोम विलोम ये होता है। तो हर बात की बात है, आप एक्सटर्नली कर रहे हो तो आपका एक्सटर्नल बॉडी अच्छा रहेगा, आप भक्ति कर रहे हो तो आपका इंटरनल सोल वो एक्टिव रहेगा। तो आपको एक्सटर्नली अगर अच्छा लगना है तो आप हाथ पैर ऊपर नीचे दाएं बाएं करिए, इससे आपका शरीर का रोग अच्छा रहेगा। लेकिन कभी भी शरीर और मन एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलते। आप मंदिर में बैठे लेकिन आपका मन भटक रहा है, तो जिस जगह आप वहां पे हो, और आप किसी ऐसी जगह सिचुएशंस में फंस गए हो लेकिन आपका मन अगर मंदिर का चिंतन कर रहा है, तो आप मंदिर में ही हो और कर्म फल उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि आपके एक्सटर्नल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अगर किसी इंसान को, अगर अपने अंतर मन को भी, अगर क्योंकि बाहर तो हम अच्छा दिखना चाहते ही आज की डेट के अंदर, क्योंकि सारा का सारा खेल आई थिंक उसी से जुड़ा हुआ है, जो भी आज की डेट के अंदर कोई भी काम कर रहा है उसके अंदर, पर इंटरनल मन को भी हम अगर अच्छा करना चाहते हैं, भक्ति ऑफकोर्स चाहते हैं, तो क्या क्या एक्टिविटीज हैं, लेकिन वो 1, 2, 3 क्या है जो एक इंसान को कर लेनी चाहिए? सबसे पहली बात है कॉन्टिन्यूटी और पेशेंस। मैंने इसलिए बात की, अगर कोई चीज बहुत पहले से रस्टेड है और आपको नया बनाना है और आप उस पर मास घिस रहे हो, तो पहले उससे रस्ट ही निकलेगा, वो सीधे चमकने नहीं लगेगा। तो पेशेंस और कॉन्टिन्यूटी, तो आपको ये बात बताना चाहिए, आप अध्यात्म के मार्ग में है, अध्यात्म की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि आप इंटरनली बहुत पेशेंस और विश्वास के साथ बैठने चाहिए, और आप जिस मार्ग पे वृत्त है आगे बढ़ रहे उस मार्ग के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे यदि आप अध्यात्म की ओर बढ़े, तो अध्यात्म का पहली बात है आप साकार भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलिए, और किसी से भी किसी भी प्रकार का एनवीनेस, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक है तो आप भजन नहीं कर सकते। आपको एक बात सदैव बता देनी चाहिए, सरकमस्टांसेस सबकी जिंदगी में अगेंस्ट आती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब हम लोग को थाली में रख के छप्पन भोग दे रहे, सबके साथ सरकमस्टांसेस आती है। तो आपको हमेशा पेशेंस रखना है। एक पेशेंस रखने वाला आदमी जो कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा है, उसे पर आप खुद भी एक ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है कि कोई बंदा नया आए और वो सीधे किसी चैनल के हेड को देखे, ऐसा नहीं होता है। और कई बार कोई बहुत काम कर रहा है लेकिन उसको अचीवमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा, जाके लटक जाएगा? नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा या ये ढूंढेगा क्यों नहीं हो रहा है, तो चेकलिस्ट बना के कट करेगा, क्या गलती हो रही, क्या सही हो रही। सेम चीज है, अगर मुझे इसे पाना है तो मुझे हर बार ये सोचना होगा ये मैं रोक नहीं सकता,
जब मैं इस बात का दृढ़ निश्चय कर दूंगा कि मैं रोक नहीं सकता, तो रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आ रही है ना, बाधा आ रही है, कभी भी बाधा फेलियर नहीं होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम फेल हो गए, फेलियर्स कुछ नहीं होता, लेसन होते हैं फेलियर्स। अध्यात्म की जिंदगी में फेलियर्स कुछ नहीं, सब लेसन है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपको एक लेसन देके जा रहा है। आपको हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति को संसार में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। अध्यात्म का पहला लक्षण है आप सदैव आनंद में रहेंगे। आपकी कोई बेइज्जती करे, आपको पता है ये सब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। आज मेरे को गाली दे रहा है, कल ये मेरी जय जयकार करेगा। और जब कोई तुम्हें बहुत प्रेस कर रहा है तो ईगो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है आज ही मुझे प्रेस कर रहा है, अभी मिनट पलटने दो, अभी ये मुझे गाली देगा। तो आपका दिमाग सदैव इसमें रहेगा। और इसी बात को गीता में कहा गया, सुखा दुखा समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जो सुख दुख में समान रहे, और लाभ हानि और जय और पराजय में समान रहे। तो बस आपको छोटी छोटी बातें समझनी, और सबसे बड़ी बात है तणादपि शुनिचे। जो तृण घास से भी ज्यादा दीन हो, इसका मतलब नहीं रोड पे लेटते हुए चलना, इंटरनली कि मैं क्या हूं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। इंटरनली इसका मतलब नहीं बाहर आपको छोटा दिखाना, इंटरनली आपको बताए तो आप किसी के प्रति भी हे दृष्टि नहीं रखेंगे। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ों से ज्यादा सहिष्णु, पत्थर मारा लेकिन फल दे रहा, तो तरोरपि सहिष्णुना, इतना सहिष्णु होना चाहिए। आ मानी ना मान देना, कोई आपको क्रिटिसाइज करके निकल के आप भी बैठ गया, आओ उसने मुझे एक बात बोली और मैं ये करूंगा ये करूंगा, तो आप उतनी देर के लिए टॉक्सिक हो गए, वो तो चला गया, आपको अपना जहर देके चला गया। आ मानी ना मान देना, ऐसे व्यक्ति को नहीं ध्यान देते हो, इसको और सम्मान दे दो। कीर्तनीय सदा रहे हो, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते रहो। और ये सब आपको एक्सटर्नली नहीं करना, अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं करना है, कर सकते तो बेस्ट। तो शुरुआत कहां से करनी है, अपने। अगर आप सबके सामने माला नहीं कर सकते, आप कमरे में बैठिए, धीरे धीरे आपको उस चीज की पॉजिटिविटी मिलेगी। और आप जैसे हम कहते हैं ना, अरे तुम धीरे धीरे संसार को फेस कर लोगे। कई कई बार ऐसे सिचुएशंस आती है ना, धीरे धीरे तुम संसार को फेस कर लोगे, अरे कोई बात नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे तुम इस सच्चाई को फेस कर लोगे कि ये जो जगत है जो परमानेंट दिख रहा है, एक्चुअल में टेम्पररी है, और जिसे हम नहीं देख पा रहे एक्चुअल में वो परमानेंट है। और जिस दिन आप इसको स्वीकार कर लोगे, उस दिन ये जितना सब कुछ है वो खुद होने लगेगा, आप खोज खोज के करने लगोगे। और टाइम आपको इतना टाइम देगा कि आपको लगेगा कि मैं कब ऑफिस से छूटू और जाके कार्य करूं, क्योंकि आपका इंटरनल रिलेशनशिप बन चुका है। आप किसी ग्रीडीनेस के कारण उनके पास नहीं जा रहे हो, आपको कुछ भीख नहीं मांगनी है, आपको कोई बात नहीं कहनी, आपको बस इसलिए ये काम करने क्योंकि इससे वो खुश हो। तो यहाँ पे हम अपनी खुशी को नहीं देखते, यहाँ पे हम भगवान की खुशी को देखते हैं। और जब कोई भगवान की खुशी को देख रहा है, अगर हम सोर्स को फुलफिल रखें, तो हमें कभी भी मिलने वाले उत्पाद की कमी नहीं होगी। जैसे पेड़ लगाओगे तो पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, 10 पेड़ लगाओ 10,000 लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। इसी तरह तुम भगवान को खुश रखो, क्यों, अपनी तरफ से, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश रख रहा हूं। तो वो स्रोत है, वो असीम है। आप अगर एक ओर से दोगे तो भगवान, जो ये प्रकृति है, जो भगवान का एक एक्सटर्नल एक्सटेंशन है, वो आपको दसों दिशाओं से वही चीज देगी। आप निगेटिव हो जाओ, आपको दसों दिशाओं से निगेटिविटी मिलेगी। इस तरह आप पॉजिटिव हो जाओ, आपको दसों दिशाओं से अननोन पर्सन, अननोन वाइब्स आके, यानी कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। आपको ये फील करना पड़ेगा, छोटे छोटे आपको जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी इस बात को समझने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एग्जाम्स देना हो तो क्वेश्चन टिक करो, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम वो चीजें आपको वो क्वालिटी टिक करनी पड़ेगी। ऐसा हो रहा है इट मीन्स वो मुझे देख रहे, ऐसा हो रहा है इट मीन्स वो मुझे देख रहे, ऐसा हो रहा है इट मीन्स वो मुझे देख रहे, तो आपका और मन लगा रहेगा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और ये अंधविश्वास नहीं करना है, ये विश्वास करना है। उसके लिए आपको बी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। महाराज जी आखिरी क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि ये शायद, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर जहां मैं हूँ वहां पर मैं ऐसा फेस कर रहा हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जैसे लोग इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। आप बहुत टाइम तक पॉजिटिव रहते हैं रहते हैं रहते हैं रहते हैं, पर सडनली एक नेगेटिविटी कुछ कुछ ऐसा होता है और आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो वहां से दोबारा मुड़ पाना, फिर पॉजिटिविटी की तरफ आ पाना में बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या करें एग्जैक्टली कि आप हमेशा ही पॉजिटिव जोन में रहे, क्या करें ऐसे कि आपके लिए अंदर जो भक्ति की जो ज्योत है वो हमेशा के लिए जलती रहे, अध्यात्म के मार्ग पर आपको पीछे लौट करना आना पड़े। देखिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जर्नी जर्नी है।
आप ट्रेन में बैठ गए तो आपको ये नहीं होगा कि आप दिन ही दिन में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, आपके यहाँ रात भी आएगी। ऐसा नहीं होता आप धूप में गए तो बारिश नहीं आएगी। आपको बार बार ये समझना पड़ेगा जर्नी आपकी है लेकिन वो रास्ते आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपके लिए डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है या आपके लिए सर्कमस्टांसेस महत्वपूर्ण? क्योंकि डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है, सर्कमस्टांसेस आपकी जर्नी को रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर आप माउंटेनियर्स को देखें जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, तो हमें लग रहा है कि वो स्लोप पे चल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि वो 7200 मीटर चढ़ के नीचे उतर के आगे का रास्ता कवर कर। तो कई बार जिंदगी में जब ठहराव आता है तो वो आने वाली चढ़ाई के लिए होता है। तो हमें किसी भी चीज से में बार बार समझना पड़ेगा, जर्नी मतलब जर्नी, और ये तब तक नहीं रुक सकती जब तक हमें हमारी डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती है। हाँ, अब आप जैसे आपने कहा कि हमें निगेटिविटी घेरती है, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर है, नेचर में जैसे पेड़ है, पेड़ में हरे पत्ते, ऐसे पतझड़ आता है और ये गिरते हैं, तो ये गिरते हैं इसलिए कि नए पत्ते आए। कभी कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, वो डिमोटिवेशन ही हमको ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए एक नया एग्जाम्पल देती है कि ये सर्कमस्टांस में कौन मेरे साथ था और कौन मेरे साथ नहीं था, क्या परिस्थितियां मेरे अनुकूल थी, क्या परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल थी, इसके बावजूद भी ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, जिस मार्ग के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, जब मुझे कोई नहीं समझ रहा था, ये मार्ग, इस मार्ग के पथिक मेरे परिवारीजन बने हुए थे। इसका मतलब सच्चा परिवार यही है जिन्हें ना तो मेरे पैसे से मतलब है, ना तो मेरी प्रतिष्ठा से मतलब है, ना तो मेरे नाम शोहरत से मतलब है, इन्हें बस इतना मतलब है कि मैं कृष्ण का हूं इसलिए सब मेरे साथ खड़े हैं। वो जो नकारात्मकता है वो आपको फिर से सकारात्मकता की ओर ले जाएगी, क्योंकि अगर सीधी लाइन ही सीधी में चलने लगे तो इसका मतलब आदमी मर गया, लेकिन अगर ऊपर नीचे चलने लगे इसका मतलब जिंदा है। तो हम ह्यूमन बॉडीज में है, ह्यूमन बॉडीज में हमें ह्यूमन जो एक ह्यूमन नेचर हमें आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा? आप कोई ऐसी देह में नहीं है ना कि आपको नहीं आएगा। तो हम हमेशा, अगर हम ये कहते हैं कि हमें कोई भी चीज ऐसा नहीं चाहिए, मतलब कहानी नहीं चाहिए, फैंटेसीज नहीं चाहिए या इमेजिनेशन नहीं चाहिए, तो फिर अपने नेचर में इमेजिनेशन क्यों चाहिए कि मुझे तो कभी दुख आए ही नहीं? अगर भगवान को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल पाना है, तो तुम भी तो प्रैक्टिकल रहो ना भाई, कि सुख तो प्रैक्टिकल हिस्सा है। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसको प्रैक्टिकलिटी का सामना ना करना। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं होता कि भक्तों को दुख नहीं आते, बस भक्तों को उस दुख से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त ये जानते कि आज दुख है तो कल सुख आएगा, मुझे अपने रास्ते पे चलना है। एक नॉर्मल व्यक्ति को तुरंत फर्क पड़ जाता है, अरे इसका लॉस हो गया, तो उस लॉस के चक्कर में वो दिन भर सोचता रहता है, जिससे वो अपना फ्यूचर भी खराब कर देता है। आदमी जो आध्यात्मिक व्यक्ति, वो सोचता है ठीक है, ओके, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ये जो हट गया है, लेकिन मुझे देखना है क्यों हट गया और मुझे अपना सतत कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसा व्यक्ति उस दुख को बहुत इजिली पार कर जाता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं आएगा। आध्यात्मिकता एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह, एक संसारी आदमी को गोली मारा, गोली लग गई, वो मर गया। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी गोली मारा, लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ है आध्यात्मिकता की, गोली लगी और गिर गई, उसका कुछ। तो आप कर्म के फल की आसक्ति से दूर होने के कारण उसके किसी भी निगेटिव और पॉजिटिव वे से जो है वो कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, बस अध्यात्म इतना करता है। और सेकेंड चीज, आपकी एसोसिएशन, मैं आपको एक छह लक्षण है जिससे भक्ति बढ़ती है, वो एक छह लक्षण क्या है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह संग त्यागात सतोवृत्ति षड्विर भक्ति प्रसन्नति। ऊटपटांग कुछ भी नहीं खाए, हर किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जो जिस मन से अन्न बना रहा है वही कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। इसलिए जब भी हम कहीं खाना खाए, बहुत देख ताक के, बहुत सोच समझ के और सात्विक भोजन करें, हो सके तो भगवान को भोग लगा भोजन ही करें। प्रयासश्य ऊटपटांग चीजों का प्रयास न करें कि किसी ने कहा ऐसा तो हम भी वैसा करके देखें, जबकि उस चीज का हमारी जिंदगी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमें लाइफ बहुत छोटी और हमें पता भी नहीं कितनी है। तो हमें अपने एक जो हमने गोल सेट किया उसके लिए बढ़े।
एक अध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन में बस एक ही कार्य के लिए प्रवृत्त होना चाहिए कि मैं एक्सटर्नली सारी ड्यूटी निभाते हुए कैसे इंटरनली उस सोल के जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सकूं। तो वो कोई भी ऊट पटांग कार्य करेगा ही नहीं, वो अपना हर प्रयास करेगा ईश्वर के लिए। अत्याहारा प्रयास उससे प्रजल्प, प्रजल्प मतलब कोई भी ऊट पटांग बात करना। तो जब हम प्रजल्प नहीं करेंगे, जैसे मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है लेकिन चार आदमी करे तो मैं भी अपना जजमेंट दे रहा हूं, तो ये टाइम वेस्टेज होता है और हमारा दिमाग उसमें लगने के कारण हम किसी न किसी तरह आध्यात्मिक सोच से हट जाते हैं। तो प्रजल अत्याहार उटपटांग खाना नहीं खाना है, असात्विक भोजन नहीं करना है, फालतू के प्रयास नहीं करने, क्योंकि जीवन बहुत कम है और जिसको सच में अध्यात्म की जिज्ञासा है वो अपना पूरा कर्म उसके लिए करेगा। अत्याहार प्रयास से प्रजल उटपटांग बातें नहीं करनी। नियम आग्रह, कोई नियम का आग्रह ले लिया, अच्छा अच्छा वो ऐसा करा मैं भी ऐसा करके देखूं क्यों नहीं हो रहा है। अब मान लो किसी को बंजी जंपिंग करनी है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको अंदर आ गया मुझे करना है, तो उतनी देर के लिए आप 10 दिन उसकी तैयारी करोगे, ये सब क्यों हो रहा है, शो ऑफ के, जबकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे नियम आग्रह नहीं करने चाहिए। फिर जन संघर्ष, बहुत ज्यादा उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना, क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे हमारा कंपटीशन उतना बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एक मन है, हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं हमको लगता है अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो मेरा फ्री का कंपटीशन बढ़ गया कि मुझे इनकी तरह भी करके दिखाना है। तो जन संघर्ष नहीं। फिर जिनके बीच बैठे उन्हें खुश करने के लिए तुमको तरह तरह की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो इसका यह मतलब नहीं लोगों से कट जाओ, इसका यह मतलब है बेमतलब के लोगों से कट जाओ, जो बेमतलब की भीड़ बढ़ाई है उससे कट जाओ। और सबसे अंतर है संग त्यागा सतोवृत्ति, जन संघर्ष लौल्यम च सर्वित भक्ते विनश्यति। और लौल्य, लौल्य क्या, फालतू की चीजें जानने की जिज्ञासा, ये भी जान लू थोड़ा, जैसे भगवान को जाने जाने अच्छा तो थोड़ा सा कोई गलत मार्ग सुन लिया, आतंकवादी कैसे बम फेंकते हैं ये भी जान लू, थोड़ा सा कैसे ये फैला ये भी जान लू। तो बेमतलब की जो लौल्यता है, ये बेमतलब की लौल्यता, ये 6 लक्षण जो है ये आपकी भक्ति का विनाश कर, समझो। तो ये 6 लक्षण ना करें। और प्यार बढ़ता कैसे, बोले ददाति प्रतिग्रहणाति, जो इस मार्ग पे हैं उनको चीजें दे, चीजें मतलब दे उनको सर्व करें, ये इनके इन प्रकार हैं, जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है, समय है समय से, तन है तन से, मन है मन से, जिस भी प्रकार से, अगर आप मीडिया में है तो आप अच्छे लोगों की चीजों को मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे सोसाइटी को बोनाफाइड गुरु मिल सके। आज के समय में अध्यात्म में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन लोगों का प्रचार प्रसार है जो सर हिला रहे, मूड हिला रहे, अजीब अजीब हरकतें कर रहे, बच्चे मार दे रहे, तंत्रिक मंत्रिक कर रहे, जबकि हमारे स्पिरिचुअल जो जगत है, हमारा जो धर्म शास्त्र है, वो इन चीजों को मना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो वहां प्रसिद्ध है जहां पे एक साधु नहीं जा रहा, तो जैसे आप उनको लेके आए ददा की, तो आपने क्या दिया, आपने अपने पास के साधन को उनको दिया, और प्रतिग्रहण आदि, और उनसे वो अगर आपको कुछ दे तो उनसे बिना किसी कॉस्ट की बुद्धि रखे उनसे एज अ प्रसाद ले लीजिए कि हाँ इन्होंने मुझे दिया। गुह्यम आख्याति, अपनी जो सीक्रेट बातें जो अध्यात्म से रिलेटेड है वो बस उन्हीं से पूछिए, उन्हें बताइए, पहले तो जैसे आपको कोई अनुभव हुआ तो बताइए, और अगर कोई डाउट है तो उनसे पूछिए। ददाति दीजिए क्या, अपने पास हुए साधन लीजिए क्या, यदि वो आपको कुछ गिफ्ट में ज्ञान, अपना कोई सामान, कुछ भगवान की बात, उसको आदर पूर्वक लीजिए, जिस तरह की चीज वो दे रहे, ज्ञान दे रहे तो मन से लीजिए, कोई वस्त्र दे रहे तो शरीर पे लीजिए, मन पे। गुह्यमा क्या थी, गुप्त बातों को बताइए, और फिर डाउट आए तो पूछिए। भुंगते, उनको भोजन कराइए, भोजन कराने से मतलब है उनकी क्षुधा तृप्ति करिए, वो इस संसार में किस कारण से आए हैं, वो क्या सर्विस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो परेशान है। ये हो गई इंटरनल क्षुधा। एक्सटर्नल क्षुधा, अगर कोई साधु आपके यहाँ आया है, उस एरिया में आया है, और आप देख रहे हैं कि उसको प्रसाद में दिक्कत है, उसको रहने में दिक्कत है, तो अगर आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो आपको वो कार्य करने चाहिए। और भोज्यते, और पहले तो उन्हें पवाइए, और जो वो आपको पाने को दे रहे, जैसे आप तो किसी आश्रम में गए उसके पास सूखी रोटी है, तो वो जो आपको दे रहा है उसे प्रेम से लीजिए, वहां पिज्जा पास्ता मैकरोनी चाउमीन मत ढूंढिए, उसको ये समझिए ये जो दे रहा है भगवान के द्वारा पाया गया प्रसाद। इन 6 लक्षणों से आपके अंदर प्रेम का प्रकाश होगा, और ये सब बातें हमारे 6 गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में लिखी। तो हमारे यहाँ कभी भी एक्सटर्नल भक्ति की बात ही नहीं की गई,
इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। एक्सटर्नली हमें वो करना है जो हम संसार को राह दिखा रहे हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम इंटरनली उस मार्ग से कनेक्टेड हो, अदरवाइज सब कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटी। मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा हैवी आंसर था इसको, शायद मैं पॉडकास्ट करने के बाद में मुझे ही 2-4 बार इसको सुनना पड़ेगा। आई एम श्योर इवन ऑडियंस को भी यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको प्रोसेस करना भी, इवन जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी इतने आसानी से। अच्छा, क्योंकि मुझे ना क्वेश्चंस तो खत्म नहीं होंगे, आई नो इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म मार्ग ही ऐसा है जो बहुत लंबा है, और जहां तक आप चलते चले जाए क्वेश्चंस आते ही चले जाएंगे। बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों ये आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ करके और इसका छोटा सा आंसर आपसे पा करके शायद संतुष्ट होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बार हमने सुना है और हर जगह पे गीता में भी आप बोलते हैं, भगवान हमेशा कह रहे हैं कि आप कर्म करिए पर फल की इच्छा मत करिए। हम अगर अध्यात्म के अंदर भक्ति करते हैं मन के अंदर, तो उस भक्ति के माध्यम से भी तो हम ईश्वर को पाने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो कोशिश, जब भक्ति अंदर रहे पर ईश्वर को पाने की इच्छा ना रहे, क्या उसको अध्यात्म कहते हैं, या मतलब अध्यात्म का चरम सीमा उसको कहेंगे, या चरम सीमा क्या है अध्यात्म की? फिर अगर ये नहीं है तो अपने जितने इंद्रियों का सेटिस्फेक्शन है वो सब कुछ कर्म में आता है, और ईश्वर की प्राप्ति होती जितना भी कार्य है वो सब कुछ भक्ति में। सिंपल सिंपल आंसर। आप घर में रोटी भी बना रहे हैं, अगर आपको लोगों को खिला रहा है तो वो कर्म है, और आपको इसलिए बना रहे हैं कि आपको भगवान को भोग लगाना है तो वो भक्ति। सब कुछ आपके इंटरनली बिहेव पे डिपेंड करता है। आप बाहर आप कपड़े भी लेके आ रहे हैं और आपको ये पता है कि मुझे लोगों को रिझाना है तो वो काम है, और आप सुंदर कपड़े लेके आ रहे हो आपको ये पता है मुझे मंदिर जाके सभ्यता से रहना है तो वो भक्ति। तो आपकी हर इंटरनल एक्टिविटी और रिलेशनशिप भक्ति को डिनोट कर। नहीं, आज शायद महाराज जी मैं इसका थोड़ा और से और आंसर चाहूंगा, ताकि कम से कम मैं ही तृप्त हो पाऊं। इससे भी अगर हम और ऊपर जाए ना, आप इससे ज्यादा आगे निज इंद्रिय, मैं थोड़ा सा बंगाली एक वर्ड से उसका आश्रय ले रहा हूँ, निज इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले प्रेम। निज इंद्रिय प्रीति इच्छा, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैंने तिलक कंठी पूजा आदि कुछ भी किया, लेकिन अगर इससे किसी भी तरह से मैं सेटिस्फाइड मतलब मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रही, आप शायद अब समझ पाए मेरी बात को, मेरी इंद्रिय तृप्ति हो रही। 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, अगर ये किसी भी तरह से मेरा तृप्त हो रहा तो वो काम है, वो प्रेम है। काम इन द सेंस कामना, काम इन आई एम नॉट सेइंग लस्ट, आई एम सेइंग कामना। और कुछ भी करने से, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया लेकिन उस घर को सामने वाले का, अरे इतना बड़ा घर बनाया, लेकिन मेरे मन में क्या आ रहा है, इस घर को इतना इसलिए बनाया, इसमें 10 कमरे बनाए क्योंकि इसमें अगर वैष्णव आएंगे तो रहेंगे या कोई भक्त आएगा तो रहेगा। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले प्रेम, तो जो कृष्ण की प्रीति की इच्छा के लिए वो वही कार्य प्रेम है, और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किया गया वही कार्य सेम कार्य का। तब जो भी कुछ कर रहे माँ केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, आप अपना कर रहे या कृष्ण का। मैं समझ, और ये हम सबको पता होता है। एक बात बरसाने में जब मैं रहता था तो मेरे एक साधु मुझसे कहते थे, बेटा सबका थर्मामीटर सबकी जेब में होता है और सबको पता है कि कौन कितना सही कर रहा है और कौन कितना गलत कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन तुम अपनी इंटरनल सोल को और सोल के उस लॉर्ड को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इसी बात पे थोड़ा सा वो करूंगा कि आपने बेसिकली इतनी बड़ी बात बोल दी इतने कम शब्दों के अंदर। अगर आपकी जो इंद्रियां तृप्त हो रही है किसी भी तरीके से तो वो काम है, कामना है, और अगर वो तृप्ति के लिए काम नहीं किया जा रहा तो वो भक्ति है। और आई एम श्योर कि हम सब को, आई डोंट नो आपके बारे में, पर कम से कम मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सुनने वाले श्रोता भी, हम लोगों का तो बहुत लंबा रास्ता है, हमें ये तो समझ में आ गया, क्योंकि अभी भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी किसी ना किसी इंद्री के लिए किसी ना किसी तरीके की जो कामना है उसकी तृप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। इवेंचुअली हम
पूरी तरीके से डेडिकेट होकर के भगवान के लिए सोच करके काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमें भक्ति मार्ग पे तो बहुत लंबा चलना है। लेकिन लेकिन मैं आपको यहीं पे एक बात टोक के पहले प्रीवियस वाले पे ले चलता हूँ। भगवान ने कहा है अपनी चेत सुदुराचारो बसते माम अनने भाग, दुराचारी से भी दुराचारी यदि मुझे भजन कर। आपने अभी जितनी बातें पूछी मैंने आपको पहले ही, आपने कहा मैंने आज शुरू में कहा कोई फिफ्थ क्लास में तो पीएचडी के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं खुद को कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी वर्ष ने सबसे ज्यादा किया तो मैंने आपको क्या बताया था, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता और उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। अगर इतनी बात पकड़ के भक्ति शुरू की जाए तो और अंत तक इसी बात पे रहा जाए तो एक वर्ष आता है जिसमें कहा गया है प्रतिज्ञा तब गोविंदा, हे गोविंद तुम्हारी प्रतिज्ञा है न मे भक्त प्रदर्शति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता, बस इस बात को सोच सोच के मैं अपना जीवन धारण, बस हम सब भी इसी बात को सोच के अपना जीवन धारण कर ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं, बस इतना पक्का कर लो जो भी कर रहे हो जिस भी स्थिति में कर रहे हो इतना विश्वास रखो मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। और भगवान का नाम जब अगर आप कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं, और अगर आपका भगवान के नाम जब के प्रति कोई भाव नहीं है तब सारा कुछ कर लीजिए लेकिन वो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, क्योंकि यदि तुमको उसके परम प्रिय नाम से प्यार नहीं है तो इसका मतलब तुम समाज को रिझा रहे हो, चाहे तुम जन्माष्टमी का उत्सव मनाओ, चाहे तुम राधाष्टमी उत्सव मनाओ, चाहे तुम कितना बड़ा भंडारा करते हो जागरण करते हो, जब तुम खुद ही भूखे हो, जब तुमको खुद ही खाने की डालनी नहीं है तो तुम दूसरे को क्या खिलाओ। तो अगर आप नाम जप करिए और केवल इस बात से कि कृष्ण हमारे साथ नित्य संबंध में और उनके द्वारा उस मार्ग पे चले हुए भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब सेल्फ डेवलप हो जाएंगी, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। होता है एक्सटर्नली करना, एक होता है सेल्फ वो चीज प्रकट हो जाना। छोटा पेड़ लगाओ धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है, उससे फूल निकलते फल निकलते अगेन बीज बनते अगेन पेड़ उगता है, उस पर कोई फल फूल लगाने नहीं आता। हमारी सारी जो मेहनत होती है उस छोटे से पेड़ की देखभाल के लिए होती है, भक्ति रूपी लता छोटी सी है, इसकी बस इतनी देखभाल करनी है, निरंतर नाम जप करना है और अपराध रहित होके रहना है, मतलब इन्विनेंस से दूर रहना है। बाकी वो पेज बनना पेड़ बनना फूल बनना सब कृष्ण का काम है, वो कृष्ण को। आई थिंक लंबा तो और भी बहुत जा सकते हैं बट ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं। आई होप कि लोगों को भी ये समझ में आएगा, हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आएगा कि भक्ति मार्ग पर हम किस तरीके से चल सकते हैं, भक्ति है क्या चीज, क्योंकि इवेंचुअली एक चीज तो जो मैंने सीखी वो यही कि भक्त की रक्षा हमेशा भगवान करते हैं, भक्त क्या कोई भी तरीके से विनाश नहीं हो सकता, और आप नाम जप करते रहिए शुरुआत वहीं से ही है। और एक और बात आप विश्वास रखिए, आप कहीं भाग मत भागिए, आप नाम जप करिए, भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि योग दूंगा ये नाम पे आते जिससे तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम चिंता ही मत करो, तुम करो, मैं घर में आके तुमको बताऊंगा तुमको कैसे करना है, इतना विश्वास कीजिए। इवेंचुअली सब कुछ फिर विश्वास ही है। सो इसी विश्वास के साथ में थैंक यू सो मच महाराज जी, आप जुड़े, आपने बहुत सारी बात करी और बहुत अच्छे से सरल भाषा के अंदर आराम से एकदम इसको मैं कहता हूँ आसानी से जो एक इंसान समझ सकता है ना भक्ति के बारे में वो समझा दिया आपने, अध्यात्म के बारे में और कितना डीपली एक इंसान जा सकता है वो आपने समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ये एक सेवा है हमारी, क्योंकि चूंकि हम लोग जिस वेश में है इस वेश में भगवान के नाम का प्रचार करना हमारी प्रमुख सेवा है, और एक होता है नाम प्रचार किसी मकसद से और एक होता है नाम प्रचार अपने गुरुओं की सेवा करना, तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं अपने पाप को उस घर को उस जन्म देने वाले माता पिता को यदि छोड़ के इस मार्ग पे पड़े हैं तो हमारा प्रथम कार्य ऑथेंटिक ज्ञान देके किसी को भी भगवान के मार्ग पे लेके आना, किसी तरह की ग्रीडीनेस लालचीपना तंत्र मंत्र षड्यंत्र इनसे हम लोग बहुत दूर है, शुद्ध सात्विक भगवान की एक जो भक्ति है भगवान ज्ञान लेके उस भक्ति का ज्ञान लेके भक्ति के ऑथेंटिक लक्षण जान के गुरु के ऑथेंटिक लक्षण जान के फिर गुरु करे फिर भक्ति करे, इसी बात को बताने के लिए हम सबको अपने गुरुओं द्वारा आदेश है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सेवा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया मुझे यहाँ बुला के, आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरा हरे कृष्ण और साधु हरे कृष्ण महाराज जी हरे कृष्ण।